ठीक है उस वीडियो को चेक कर लो और आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का वन शॉट करने वाले हैं सो यस यहां पर भी तुम्हारे पास इजीली 16 मार्क्स तुम लोग स्कोर कर लोगे राइट right? 16 मार्क्स तुम लोग स्कोर कर लोगे सो so, बायोटेक की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में मेडिसिन में इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट में ये सब बच्चे आज की क्लास में डिस्कस होगा ओके ठीक है सो so, शुरू करते हैं आज का चैप्टर में लिख दो बच्चे वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी हमने रिसेंटली इसका प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला पार्ट पूरा किया है आज हम लोग एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ठेके? आज हम लोग एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल सही राइट ठीक है ठीक है सो सी बायोटेक्नोलॉजी जब भी आ जाती है उसमें हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी को जोड़ना है इस तरह से जोड़ना है कि हमें उससे क्या बेटर प्रोडक्ट मिल सके है ना हमें उससे कौन सा बेटर प्रोडक्ट मिल सकता है या हम टेक्नोलॉजी को इस तरह से जोड़ते हैं कि हमारे पास ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छे प्रोडक्ट बन जाते राइट right, मेरा बच्चा दैट इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी इज सो बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों जब तुम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की बात करते हो इसकी बात करते हो जब तुम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस की बात करते हो सो so यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा यहाँ पर हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा राइट right? यहाँ हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा यहाँ हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या फिर जिसको तुम लोग केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हो उसके बारे में डिस्कस किया यहाँ हमने वो डिटेल में प्रोसेस आ, प्रोसीजर पढ़ा हमने टूल्स देखे हमने स्टेप्स देखे याद है हमने टूल्स देखे हमने स्टेप्स देखे वी नो दैट वी नीड सम एंजाइम्स फॉर दैट राइट हमें एंजाइम्स की जरूरत है हमें क्लीविंग एंजाइम्स भी चाहिए हमें हमें लाइसिंग एंजाइम्स भी चाहिए हमें क्लीविंग एंजाइम्स भी चाहिए आर यू गेटिंग माय पॉइंट ठीक है ठीक है लाइगेजेस भी हमें चाहिए उसके अलावा हमें वेक्टर्स की जरूरत है जो हमारी जीन टैक्सी के काम आएंगे जीन टैक्सी का काम करेंगे राइट सो so, जब मैंने तुम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया था बच्चे वहां मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें हमने आर टेक्नोलॉजी की बात करनी है हमने जीन क्लोनिंग की बात करनी है और हमने जीन ट्रांसफर की बात करनी है सो so, कितने बच्चे हैं जो जिनको ये तीन स्टेप्स क्लियर है राइट कितने बच्चे हैं जिनको ये तीन स्टेप्स क्लियर है और मुझे एक चीज बताओ यहां कितने बच्चे इस चार्ट सेक्शन में हैं जिनका टारगेट है बायो में 350 प्लस स्कोर करना कितने बच्चे हैं जिनका यहां पर टारगेट है बायो में 350 प्लस स्कोर करना फटाफट फड़ बताओ क्विकली लेट्स इंटरक्ट गाइस क्विकली है 350 प्लस स्कोर करना सो so अगर तुम लोग 350 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो येस बायोटेक्नोलॉजी ये दोनों चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और एप्लीकेशन प्रोसेसे डू एंड डाई चैप्टर्स है इवन यू विल स्कोर वेरी गुड इन बोर्ड एग्जाम्स अगर तुम इन चैप्टर्स को मास्टर कर लो ओके okay, मेरा बच्चा सो आज मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं राइट वो एंड तक रहेंगे वो एंड तक रहेंगे वो बिना इधर उधर चिटचाट किए अच्छे से पढ़ाई करेंगे और वो बच्चे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका इमीडिएटली इमीडिएटली आंसर आंसर देंगे राइट right? देंगे ना आज कोई स्पैमिंग करेगा ना स्पैमिंग होने देगा टी अपने आगे खोल के रख लो और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते रहो राइट right? सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करते रहो सो दिस इज द फर्स्ट थिंग वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल्स और प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है सो so ये हैं बच्चे वो तीन स्टेप्स वो मेन तीन स्टेप्स कि एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फिर हमने जीएन क्लोनिंग की उसके बाद हमने जीन ट्रांसफर किया और इसी के बेसिस पर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बच्चे डिफरेंशिएट किया जाता है समझ रहे हो उसी के बेसिस पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं अब आ जाओ तुम लोग अपनी एनसीईआरटी दीदी पे इसके साथ-साथ हम लोग सब कुछ मैनेज करेंगे सो so, अब ये चैप्टर है बच्चे एप्लीकेशंस का किसका चैप्टर है ये चैप्टर है एप्लीकेशन का सो वेन यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन वेन यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन किया और बेटर रिजल्ट बनाए यहां हम लोग ये पढ़ते हैं. So, बायो टेक्नोलॉजी एज सेड मेडिसिन में राइट right? किसी डिजीज को डायग्नोस करने में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने में प्रोसेस्ड फूड बनाने में इवन बायो जहाँ हम लोग एक लिविंग एजेंट का इस्तेमाल करके राइट right, पॉल्यूशन को रिमूव uh, कर सकते हैं पॉल्यूटेड चीजों को क्लीन कर सकते हैं राइट राइट यहाँ तक कि वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में भी तुम्हारी बायोटेक्नोलॉजी का रोल रहता है सो so, बच्चे क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है कि बायोटेक का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है सो so, एक भी लाइन को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे ठीक है नीट में एक भी लाइन को हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे सो so, यहां पे अदर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई हमारे पास रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर यू गेटिंग माई पॉइंट थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन से हैं तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया सबसे पहली बात क्या है बच्चे सबसे पहली बात हमें बायोटेक्नोलॉजी से बेस्ट कैटालिस्ट बनाना है राइट बेस्ट कैटालिस्ट बनाना है वॉट इज द मीनिंग ऑफ कैटालिस्ट आर्पिथ बच्चे कैटालिस्ट का मतलब होता है बच्चे जो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करे उसका रेट बढ़ाए राइट उसका रेट बढ़ाए सो हमने टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करना है हम लोग ऐसा कोई बेटर या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या वैसे कोई एंजाइम बनाएंगे राइट right? कोई इंजाइम बनाएंगे जिसका काम क्या होगा जिसका काम होगा जो भी वो पर्टिकुलर काम कर रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से करना एक तरह से बेस्ट कैटलिस्ट बनाना सो so, सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर इंजाइम सो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्योर इंजाइम की फॉर्म में एक बेस्ट कैटलिस्ट बनाना द वेरी फर्स्ट पॉइंट सेकेंडली क्या होता है बच्चे Creating optimal conditions through genetic engineering for this catalyst to act. So sabse pehle aapne kya kiya aapne ek improved, right? ek improved catalyst बना. अब सिर्फ catalyst बनाने से कुछ नहीं होगा. तुम्हें इसे optimum मतलब best possible conditions भी provide करनी है. तुम्हें इसे optimum conditions भी provide करनी है. और उसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को देखना है ताकि आप इस प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सको प्योरीफाई कर सको राइट right? ताकि तुम लोग इसको प्योरीफाई कर सको आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो ये है तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक के यस yes, यहां से भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है राइट right? यहां से भी क्वेश्चन हमारा आ सकता है फिर बच्चे जब तुम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हो अगर हमें ईल्ड बढ़ानी है सो या तो हम लोग तुम्हें ग्रीन रेवोल्यूशन पता है ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए गए केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए गए ईल्ड बढ़ाई गई ठीक है अगर हम लोग इको फ्रेंडली तरीके से जाते हैं सो इको फ्रेंडली तरीके से जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हमें प्रोडक्शन उतनी हमें ईल्ड नहीं मिलती सो यहाँ पर हमारा क्या वे आउट आ जाता है बच्चे हमारे पास यहां पर हमारे पास क्या वे आउट आ जाता है बच्चे ये ये देखो कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं सो so, एक तो तरीका यही है एग्रो बेस्ड केमिकल्स का यूज करना राइट एग्रो बेस्ड केमिकल्स का यूज करना समझ रहे हो दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर राइट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर तीसरा हमारे पास क्या है कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सके राइट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल कर सके सो so, बच्चे ये सबसे बेटर तरीका है सबसे बेटर क्योंकि जितना ज्यादा आप केमिकल्स यूज करेंगे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी कॉज करेगा इवन द सॉयल पॉल्यूशन और द वाटर पॉल्यूशन राइट ऑर्गेनिक फार्मिंग इको फ्रेंडली तरीके से अगर हम चलते हैं सो so उससे हमें जितना हमारी डिजायर्ड राइट ईल्ड है हमें वो नहीं मिलती फिर हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास आ जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर जिसमें बच्चे अगर हमने एक जीन मैन्युपुलेट करके कोई बेटर प्लांट बना लिया सो so हम उस प्लांट को राइट right, एसेक्सुअली भी ग्रो कर करके वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर कर सके, हम लोग ईल्ड बढ़ा सकते हैं जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात आती है सो so हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट हाई ईल्ड वाले प्लांट्स भी आ जाते हैं राइट हाई ईल्ड वाले प्लांट्स भी आ जाते हैं so सो यहाँ पर ये तीन चीजें हैं समझ में आ गया यहाँ पर ये तीन चीजें इतना क्लियर है इतना क्लियर है सो so, जब भी हम लोग कन्वेंशनल ब्रीडिंग के तरीके से जाते हैं बच्चे सो so हमें डिजायर्ड के साथ साथ अनडिजायर्ड चीजें भी मिलती हैं, एंड इफ वी गो फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स सो ऑब्वियसली हमारे पास फर्टिलाइजर्स का राइट right, केमिकल्स का यूज कम हो जाएगा हमारे पास पोस्ट हार्वेस्टिंग खर्चे कम हो जाएंगे बेहतर आएगी बच्चे डिजीज रेजिस्टेंस एंड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी हमारे पास आ जाते हैं राइट प्लांट्स भी हमारे पास आ जाते हैं ठीक है बच्चे सो so, अब तुम देख सकते हो कि जीएमओ GMO, जीएमओ किस किस तरह से यूज हो रहे हैं देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज यूज टू मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस यस बच्चे वॉट इज द मीनिंग ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस जल्दी बताओ वॉट इज द मीनिंग ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस जल्दी जल्दी फटाफट हां वॉट इज द मीनिंग ऑफ ए बायोटिक स्ट्रेस ए बायोटिक माने नॉन लिविंग जैसे किसी क्रॉप को कोल्ड से खतरा है सूखे से खतरा है नमक से खतरा है हीट से खतरा है राइट सो यहां पर हमारे पास क्या आ गया पहला पॉइंट ये आ गया फिर उसके बाद रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड मतलब ये कि हम ऐसे प्लांट्स बना सकते बना सकते हैं जो इन सारे एबायोटिक स्ट्रेस को झेल लें एक दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंस तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होगा क्योंकि जब हमने इतने ज़्यादा ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो इन कंडीशन में विद कर सकते हैं सो आफ्टर आफ्टर हार्वेस्टिंग हमें डरने की जरूरत नहीं है हमारा उतना ही खर्चा क्या हो जाएगा उतना ही खर्चा हमारा कम हो जाएगा और उसके अलावा हम लोग बच्चे बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड राइट जिसमें हम लोग गोल्डन राइस ऐसे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ठीक वे इन्हांसड न्यूट्रिशनल वैल्यू सो जब हम लोग खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं सो फॉर दैट वी यूज द वर्ड बायोफोर्टीफिकेशन फॉर दैट वी यूज द वर्ड बायो समझ में आया समझ में आया सो so, ऐसे प्लांट्स भी बनाए जा सकते हैं बच्चे कि जो ज्यादा से ज्यादा सॉइल में से मिनरल का यूजेज कर सके राइट राइट सो दैट इज वाई वी गो फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और अगर यहां पर किसी को कोई डाउट है कि मैम हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है सो जो बायोटेक के इससे पहले के दो पार्ट से बच्चे वो आप लोग जरूर चेक कर लेना राइट वो आप लोग जरूर चेक कर लेना सो अभी हम लोग बात करेंगे एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की ठीक है सो तुम लोग मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो इसका अभी हमें बात करनी है एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की सो क्या तुम लोग मुझे कोई एग्जांपल बता सकते हो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का पहले लिख लो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है कौन सा है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर्म वॉज अ टबैको सबसे पहले टबैको बनाया गया था पहला ट्रांसजेनिक प्लांट राइट right? पहला ट्रांसजेनिक प्लांट हमारे पास क्या था वो था हमारे पास टोबैको राइट टोबैको ऑब्वियसली ये भी एक तरह से इंसेक्ट रेजिस्टेंट था हम लोग पढ़ते हैं बच्चे जब इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे बी कॉटन को राइट बी कॉटन को अभी हम लोगों ने इसी कॉटन के बारे में पढ़ना है राइट हम लोग इसी कॉटन कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे सो इज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट राइट इसके पास क्या है इंसेक्ट की रेजिस्टेंस है सो so, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ये बी क्या है कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बीटी यस बच्चों वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैट बॉक्स में टाइप करो चैट बॉक्स में टाइप करो क्या मतलब होगा इस बी टी का बी टी बेसिलस थेस बेसिलस जेनेसिस राइट सो ये जो बी टी कॉटन है इट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या तुम लोग कह सकते हो कि इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप राइट इट इज अ जेनेटिकली मॉडेफाइड क्रॉप वॉट इज इट इट्स अनेटिकली मॉडेफाइड क्रॉप बच्चे इस genetically modified crop में क्या है ये जो बी टी है, है ये इंडिकेट करता है बेसिलस थ्योरिन जेनेसिस क्या इंडिकेट करता है बेसिलस थेनेसिस बच्चे बेसिलस इट्स अ रोड शेप्ड बैक्टीरिया क्या मतलब होता है बेसिलस का बेसिलस का मतलब होता है बच्चे रोड शेप्ड बैक्टीरिया एक्चुअली इस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हमने एक जीन रे रखा है और वो जीन इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सो वो हमने से ले रखा है वो हमने ले रखा है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से राइट इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है हमने इसी बेसिलस के बारे में पढ़ना है ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे समझ में आया समझ में आया सो so, इस बेसिलस थ्योरिन जेनेसिस के पास इट कंटेन्स अ जीन अब तुम्हें तो पता है वो जीन बनाएगा प्रोटीन पता या नहीं है वो जीन बनाता है प्रोटीन कैसा प्रोटीन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन राइट right? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन ध्यान से समझना इस चीज को राइट right? ध्यान से समझना जैसे वी हैव द डीएनए डीएनए विल फॉर्म एमआरएनए and that mRNA will form protein. You know that it is the flow of information, right? All of you know that it is the flow of information, right? ki tumhara DNA DNA banayega mRNA aur mRNA banayega protein, right? mRNA बनाएगा protein. So DNA से जब mRNA बनता है बच्चे, that is your transcription. और जब mRNA से protein बनता है, that is your translation. राइट right. ये बहुत सिंपल सा तरीका है दिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सो यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास इस बैक्टीरिया में एक जीन है और वो जीन बनाता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन वो जीन क्या बनाता है वो जीन बनाता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है बच्चे कि इस जीन से जो प्रोटीन बनता है वो इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देता है राइट right? वो इंसेक्ट पेस्ट को किल कर देता है राइट right? सो so, हमने क्या किया हमने इस बैक्टीरिया से वो जीन आइसोलेट किया उसको आइडेंटिफाई किया उसको आइसोलेट किया उस जीन को हमने कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया राइट right? कॉटन के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया अब उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद उस जीन ने जो प्रोटीन बनाया उसकी वजह से कई सारे इंसेक्ट पेस्ट जब भी उस कॉटन प्लांट को खाने लगते थे तो वो मर जाते थे वो उसको डैमेज ही नहीं करने देते थे राइट सो so, ये है बेसिक आइडिया बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स राइट इट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट समझ में आया समझ में आया सो so, ये बैक्टीरिया इसका जीन या इसका इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन किस किस के अगेंस्ट था किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव था राइट right, कौन कौन से इंसेक्ट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव था एक तो हो गए तुम्हारे राइट बच्चे वो ये है बच्चे वो ऑर्डर्स राइट जैसे तुम्हें पता है ना फाइलम ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम फाइलम ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम सो so, उस लार्जेस्ट फाइलम की सबसे बड़ी क्लास कौन सी है इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास कौन सी है इंसेक्टा और उस क्लास में अलग अलग तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं ऑर्डर्स आ जाते हैं सो so, इस बीटी कॉटन का जो प्रोटीन है जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट लेपिडॉप्टर डिप्टर एंड योर कॉलियोप्टर राइट एंड योर कॉलियोट्रंस समझ में आया समझ में आया सो so, जब तुम लोग इन लेपिडॉप्टर की बात करते हो सो तुम्हारे पास यहां पर टोबैको बड आ जाता है राइट टोबैको बड आ जाता है जब भी हम लोग बात करते हैं डिप्ट्रेंस की यहां पर सारे फ्लाइज एंड मस्कीटोज आ जाते हैं राइट right, यहां पर सारे के सारे फ्लाइज एंड मस्कीटोज आ जाते हैं एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉलियोप्ट्रंस बीटल्स विल बी देयर राइट बीटल्स विल बी देयर सो ये एक जनरलाइज्ड चीज है राइट right? ये एक जनरलाइज्ड चीज है

और उसको हम लोग क्या कहेंगे बीटी टॉक्सिन क्या कहेंगे उसको हम लोग बीटी टॉक्सिन सो बी स्टैंड्स फॉर बेसिलस टी स्टैंड फॉर थ्योरन जेनेसिस बी स्टैंड्स फॉर बेसिलस टी स्टैंडस फॉर थ्योरन जेनेसिस सो इसी बीटी टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस कर कर करके कई प्लांट्स बताए गए जैसे हमारे पास बीटी कॉटन भी है हमारे पास बीटी टोबैको भी है राइट right, हमारे पास बीटी टी भी है हमारे पास बीटी राइस भी है आप समझ में आया सो so, जहां जहां ये वर्ड बी आ जाएगा इट मीनस बेसिलस थर जेनेसिस वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस बी टी बेसिलसर इन जेनेसिस इज दैट क्लियर बच्चे इज दैट क्लियर सो बच्चे कैन आई से दैट इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड हां जी फटाफट चैट सेक्शन में बताना कैन वी से दैट की इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स क्या हम लोग अनुराधा इसको बायोपेस्टिसाइड का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं क्या हम लोग इसको बायोपेस्टिसाइड का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं बायोपेस्टिसाइड जहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम दूसरे पेस्ट ऑर्गेनिज्म को खत्म कर रहे हैं सो यस इट इज द बायोपेस्टिसाइड एंड इट इज इट इज एन इको फ्रेंडली वे ये क्या है इको फ्रेंडली वे ये क्या है हमारे पास बच्चे इको फ्रेंडली वे अब अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ये अगर ये बीटी टॉक्सिन अगर ये बीटी टॉक्सिन किसी पेस्ट को खत्म कर सकता है तो ऐसा क्या है कि ये बीटी टॉक्सिन उस बैक्टीरिया को नहीं हार्म करता कोई बता सकता है ऐसा क्या है कि ये बीटी टॉक्सिन किसी उस खुद को नहीं हार्म करता कोई बता सकता है कैसे यस yes. होता क्या है जैसे ये है हमारा बैक्टीरिया राइट दिस इज आर बैक्टीरिया बच्चे ये बैक्टीरिया बनाता है तुम्हारा प्रोटोटॉक्सिन राइट ये क्या बनाएगा ये बनाएगा प्रोटोटॉक्सिन वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोटॉक्सिन प्रोटोटॉक्सिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द राइट वॉट इज प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दैट इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दैट टॉक्सिन राइट इट इज नॉट एक्टिव इट इज इनएक्टिव अब इस बैक्टीरिया ने क्या किया इसके जीन ने क्या किया इसके जीन ने ये प्रोटीन बना दिया विच इज इनएक्टिव राइट विच इज इनएक्टिव अब क्या होगा जैसे ही कोई भी इंसेक्ट पेस्ट समझ रहे हो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट पेस्ट इस पे फीड करेगा जैसे ये देखो ये आया हमारा इंसेक्ट पेस्ट ठीक है ये इसको लगा कि यहाँ मुझे खाने के लिए कुछ मिला है मुझे यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स मिल रहे हैं सो तो ये इस पे फीड करेगा <clears throat> ये इस पे फीड करेगा जैसे ही इस पे फीड करेगा राइट द प्रोटोटॉक्सिक प्रोटोटॉक्सिन वंस वंस इट सोल्युविलाइज इन वंस इट्स सोल्यू इट्स सोल्युविलाइज इन इंसेक्ट गट राइट द एलकेलाइन पी एच ऑफ इंसेक्ट गट विल एक्टिवेट इट क्या होगा बच्चे जैसे ही ये इंसेक्ट पेस्ट इस टॉक्सिन को खाएगा इसकी बॉडी के अंदर ये घुल जाएगा सो तो वहां पर क्या है कैसी पीएच है एल्केलाइन पीएच है वहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चे चिंटू बच्चेलाइन पीएच प्रेजेंट है सो so, उस एलकेलाइन पीएच में ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा जो अभी तक इनएक्टिव था वो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एल्केलाइन पीएच जो गट में होगी उसकी वजह से एक्टिवेट हो जाएगा सो so, यहां से भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है ठीक so in, in है सो द प्रोटोडॉक्सिन प्रोटोटॉक्सिन वोलिवलाइज इन इन इंसेक्ट गट द एलकेलाइन पी एच ऑफ इंसेक्ट गट गा एक्टिवेटेड उससे क्या हो जाएगा आफ्टर एक्टिवेशन ये इसको एक्टिवेट कर देगा आफ्टर एक्टिवेशन क्या हो जाएगा आफ्टर एक्टिवेशन बच्चे राइट आफ्टर एक्टिवेशन दिस टॉक्सिन राइट दिस टॉक्सिन बच्चे जुड़ जाएगा सो so, जैसे ही यह टॉक्सिन उसके सेल्स के साथ जुड़ेगा सो so, यहां क्या कर देगा परफोरेशन समझ रहे हो परफोरेशन पोर्स क्रिएट कर देगा वो उसके मिड गट एपिथिलियम में क्या क्रिएट कर देगा बच्चे वो उसके मिडगट एपिथीलियम में पोर्स क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से स्टारवेशन से ये इंसेक्ट पेस्ट मर जाएगा राइट right? स्टारवेशन से ये इंसेक्ट पेस्ट मर जाएगा सो so, इसकी इतनी भयंकर मौत आ, मौत होने वाली है समझ रहे हो इतनी भयंकर मौत होने वाली है सो so, क्या करेंगे हम लोग साइंटिस्ट ने क्या किया जब उन्होंने इस चीज को स्टडी किया व्हाट दे डिड दे आइसोलेटेड दिस जीन राइट चलो उन्होंने क्या किया उन्होंने इस जीन को आइसोलेट किया, विद द हेल्प ऑफ आर डी एन ए टेक्नोलॉजी उन्होंने इसको इस बी टी कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया समझ रहे हो उन्होंने इसको इस बी टी कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया जैसे ही इंसेक्ट पेस्ट ने आके ये लीव्स को खाया उनके खाते ही टॉक्सिन उनकी बॉडी में एक्टिवेट हो गया एक्टिवेट होने के बाद वो मिडगट एपिथीलियम से जुड़ा जहां उसने पोर्स क्रिएट किए राइट सो स्टारवेशन की, right? so की वजह से राइट क्योंकि पोर्स क्रिएट हो गए डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा ऑब्जॉर्बशन प्रॉपर नहीं होगा उल्टा चीजों का फ्लो बढ़ जाएगा राइट right? सो so इस तरह से इसको मार दिया जाएगा इस तरह से इसको मार दिया जाएगा सो so ये है उसका बेसिक मकैनिज्म लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिलस जेनेसिस के पास कौन कौन से जीन्स हैं राइट right, कौन कौन से जीन्स हैं सो so, यहां पर जो हमने पॉइंट कंसिडर करना है वी विल टॉक अबाउट द जीन हम लोग किसके बारे में बात करेंगे जीन के बारे में किसके बारे में बात करेंगे जीन के बारे में और वो जीन क्या बनाता है बच्चे क्राई प्रोटीन विच इज इंसेक्टिसाइड राइट वो जीन क्या बनाता है वो बनाता है क्राई प्रोटीन विच इज इंसेक्टिसाइडल समझ में आया समझ में आया यस yes. समझ में आया सो ईच क्राई प्रोटीन राइट तुम लिख सकते हो ईच क्राई प्रोटीन जब प्रोटीन लिखना है तो सी कैपिटल रहेगा बाकी स्मॉल जब जीन लिखना है सो तीनों बच्चे स्मॉल लेटर्स में लिखने ठीक है ठेके? तब तीनों स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं समझ में आया तीनों स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं सो so यहां पर क्या पॉइंट है कि ये जो भी क्राई प्रोटीन हैं राइट ईच क्राई प्रोटीन is toxic is toxic to different group of insects samajh mein aaya it is toxic to different groups of insects are you getting my point are you getting my point so kehne ka matlab ye hai ki bacillus thuringiensis ke paas sirf ek gene nahi hai उसके पास कई cry gene हैं जो अलग अलग तरह के cry proteins बनाएंगे और वो अलग अलग तरह के राइट बच्चे कार्तिक वो अलग अलग तरह के क्राई प्रोटीन अलग अलग इंसेक्ट ग्रुप्स को इफेक्ट कर सकते हैं सो so, यहां पर जो सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कोई बता सकता है उसका हा सो so, हमारे पास सबसे पहले क्या है कौन कौन से क्राई प्रोटीन्स की एग्जाम्पल्स आ जाएंगी हमारे पास कौन कौन से क्राई प्रोटीन्स की एग्जाम्पल आ जाएगी क्राई वन ए एंड क्राई टू ए कौन कौन सा है क्राई वन ए एंड cry 2 ab और उसके अलावा हमारे पास क्या है cry 1 ab ये है तुम्हारे जीन्स और ये है तुम्हारा नीट का डायरेक्ट एमसीक्यू ठीक है ये है तुम्हारा नीट का डायरेक्ट एमसीक्यू सो व्हाट डू वी हैव वी हैव cry 1 ac एंड cry 2 ab एंड देन वी हैव cry 1 ab राइट देन वी हैव cry 1 ab ठीक है ठीक है समझ में आया समझ में आया सो so, ये जो तुम्हारा क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए बी है ये किसके अगेंस्ट एक्टिव रहेगा कॉटन बॉल के अगेंस्ट राइट इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट right? कॉटन बॉल वम्स और ये रहेगा कॉन बोरर के अगेंस्ट राइट जैसे कॉन होता है ना पेडी फील्ड पेडी फील्ड सो so, कई इंसेक्टो पेडी फील्ड में उन कॉन कौर, उन कॉर्स को डैमेज करते हैं सो so, इस केस में हम क्राई वन ए बी यूज करेंगे कॉटन जब हमें बीटी कॉटन बनाना है राइट right? जब हमें प्लांट्स को कॉटन बॉल वॉर्म से बचाना है clear, बच्चे? सारे स्मॉल के इतना क्लियर है, बहुत सा है. ये सा चार नंबर. Right? So, मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लगा होगा लगा है क्या किसी को भी डिफिकल्टी है हा किसी को भी ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लगा है क्योंकि यहां से एक डायरेक्ट चार नंबर तुम्हारे पक्के ठीक है यहां से डायरेक्ट चार नंबर पक्के ये देखो ये पढ़ा हमने सो so यही है मेजर पॉइंट्स बच्चे यहां पर ये देखो कि इंसेक्ट विल इंजेस्ट इनएक्टिव टॉक्सिन इट विल कन्वर्टेड इन टू इन टू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एलकेलाइन पी राइट ऑफ द गट विच सोल्यूलाइज द क्रिस्टल्स ओके ओके okay, सो so जैसे ही गट में वो गया एल्केलाइन पीएच ने उसको एक्टिवेट किया ये वहां सोल्यूबलाइज हुआ और उसके बाद ये मिड गट एपीलियम से जुड़ा क्रिएट हुए बाहर का कंटेंट अंदर आया स्वेलिंग हो हो गई हो गई लाइसिस एंड देयर इज द द डेथ ऑफ इंसेक्ट सो स्टारवेशन से ये इंसेक्ट मर गया स्टारवेशन से ये इंसेक्ट मर गया समझ में आया समझ में आया सो so ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर कि बेसेल थियोर जेनेसिस राइट बच्चे क्राई प्रोटीन सो ये मेजर चीजें राइट सो ये पूरा पार्ट फोर मार्क्स के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है डन डन इज इट चलिए सो ये है तुम्हारा कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय वॉल बॉम्स और फुली मेच कॉटन बॉल क्लियर क्लियर ओके सो अब हमने बात करनी है बच्चे एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की जिसमें हमारे पास आ जाएगा हमारा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चे ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट देखो जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना ट्रांसजेनिक जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना ट्रांसजेनिक इधर इट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट और इट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसजेनिक का मतलब होता है प्लांट या एनिमल हैविंग फॉरेन जीन मतलब इसके अंदर कोई भी मॉडिफाइड जीन है कोई भी बाहर का जीन है समझ में आप इसके पास क्या है इट इज हैविंग द फॉर जीन राइट इट इज द फॉर जीन समझ में आया समझ में आया पर हमने में टोबैको प्लांट के बारे में पढ़ना है बच्चे जिसको किस तरह से बनाया गया है जिसको आर एन ए आई दर एन ए इंटरफेयरेंस से बनाया गया है कैसे बनाया गया है आर एन ए इंटरफेयरेंस से बनाया गया है समझ में आया समझ में आया ठीक है सो अब यहां पर हमने किसकी बात करनी है वील बी टॉकिंग अबाउट द नेमाटोड वील बी टॉकिंग अबाउट द नेमाटोड्स सो नेमाटोड्स क्या होते हैं कोई बता सकता है नेमाटोड्स क्या होते हैं डू यू नो दैट यस किसी भी बच्चे को पता है वट आर नेमाटोड्स वट आर जल्दी जल्दी व्हाट आर नेमाटोड्स 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 होते हैं तुम्हारे एसकेलमें तुम्हारे राउंड वॉर्म्स को बोलते हैं हम लोग नेमाटोड्स समझ रहे हो राउंड वॉर्म्स को बोलते हैं हम लोग नेमाटोड्स सो so, नेमाटोड्स क्या करते हैं ये तुम्हारे प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं और एनिमल्स में भी डिजीज करते हैं राइट right? ये प्लांट्स में भी डिजीज करते हैं और ये एनिमल में भी डिजीज करते हैं सो so, ऐसे ही हमारे पास एक नेमाटोड का एग्जाम्पल है ध्यान से सुनते चलना ऐसे ही एक नेमाटोड का हमारे पास एग्जाम्पल है राइट right? जिसको हम लोग बोलते हैं मिलोडी इनकॉग्नीटिया मिलोडी गायनी इनकॉग्नीटिया ये एक नेमाटोड है बच्चे और ये नेमाटोड क्या करता है ये किस किस को डैमेज करता है ये डैमेज करता है टोबैको प्लांट को इट रिड्यूजेज इट्स ईड राइट ये किस को डैमेज करता है टोबैको प्लांट को उसकी रूट्स को डैमेज करता है समझ में आया उसकी रूट्स को डैमेज करता है समझ में आया सो नेमाटोड मेलोडिगाइनी राइट इट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट ठीक है इट डैमेज द टोबैको प्लांट यू कैन राइट डाउन डैमेज रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड डिक्रीजेज दाइट डिक्रीजेज करता कैसे है सबसे पहले ये समझो राइट right? हमें सबसे पहले अनुराधा यहां पर क्या समझना है ये डैमेज करता किसे अब जैसे लेट से लेट से दिस इज योर राइट? लेट से दिस इज योर अब इस के पास एक कोई जीन है समझ रहे हो इस वॉम के पास कोई जीन है ध्यान से समझना इस चीज को इस वॉम के पास क्या है इस वॉम के पास कोई जीन है और वो जीन तुम्हें पता है क्या बनाएगा वो बनाएगा एमआरएनए और वो एमआरएनए बनाता है प्रोटीन और यही प्रोटीन यही प्रोटीन किसको डैमेज करेगा इट डैमेजेस द रूट ऑफ टोबैको प्लांट इट डैमेजेस द रूट ऑफ टबैको प्लांट ये टबैको प्लांट की रूट्स को डैमेज कर देगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट राइट ये डैमेज कर देगा रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट पे अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ अगर मुझे राइट right, सोच के बताओ अगर मुझे एक ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाना है राइट सबा अगर मुझे एक ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाना है सो तो क्या मेक श्योर sure करना होगा मुझे बताओ जरा बच्चे जरा लीव्स पे मत जाना ऐसी ड्राइंग कर रही हूं मैं राइट तो मुझे क्या मेक श्योर sure करना है जल्दी बताओ अगर मुझे एक ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाना है सो तो मुझे क्या मेक श्योर sure करना है वो वट डू आई नीड टू मेक श्योर वट डू आई नीड टू मेक श्योर मुझे ये करना है कि जब भी ये नेमा टोड़ जब भी यह नेमाटोड़ मेरे टोबैको प्लांट की रूट को डैमेज करने आए तो यह भाग जाए ये उसको डैमेज ना कर पाए राइट right, ये उसको डैमेज ना कर पाए वहां पर उस टोबैको प्लांट के अंदर ये जो ये ये नेमाटोड अपना ये जो प्रोटीन बना रहा है जो मेरे टोबैको प्लांट की ईल्ड कम कर रहा है वो नहीं बनना चाहिए वो नहीं बनना चाहिए बताओ यही वे आउट रहेगा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाने का यही वे आउट रहेगा येस और नो येस और नो तेलमी हा यही रहेगा सो so, उसके लिए अगर लेथ से भूमिका उसके लिए अगर मैं इस एम को इस टारगेट एम को डिस्ट्रॉय कर दूं अगर मुझे ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाना है तो मुझे यह मेक श्योर करना है कि इस नैमाटोल जब भी ये नेमाटोल मेरे टोबैको प्लांट की रूट्स के पास आए तो इसका ये जो जीन जो ये ऐसा प्रोटीन बनाता है जो मेरे टोबैको को डैमेज करता है वो नहीं बनना चाहिए सो so, मेरे को इसके एम को क्या करना है डिस्ट्रॉय करना है अगर मैंने इसके एम को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मेरे पास वो प्रोटीन तो आएगा ही नहीं मेरे पास वो प्रोटीन तो आएगा ही नहीं सो so, हम लोग इस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे वी आर यूजिंग आर एन ए आई ऑल्सो नोन एज आर एन एंटरफे राइट ऑल्सो नोन एज आर एन एंटरफे ठीक है ठीक है सो इट्स अ टेक्निक राइट विच इज प्रेजेंट इन यू कैरियोटिक सेल्स इट इज प्रेजेंट इन यू कैरियोटिक सेल्स एज अ मैथड ऑफ सेलुलर डिफेंस मतलब ये एक ऐसी टेक्निक है समझ रहे हो ये एक ऐसी टेक्निक है जो सेल्स में प्रेजेंट है बच्चे एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस मतलब उस सेल सेल को को डिफेंड करने के लिए राइट सेल को करने के लिए टेक्नीक जो भी हमारा टारगेट हम उसको डैमेज कर देंगे राइट हम लोग उसको डैमेज कर देंगे हाँ जी बच्चे चैप्टर आज ही कंप्लीट होगा पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट होगा समझ में आ गया समझ में आ गया सो इन दिस टेक्निक इन दिस टेक्निक टारगेट एम आर एन ए विल बी साइलेंस्ड आर एन ए इंटरफेयरेंस आ गया ना हमने उस आर एन ए के साथ इंटरफेयर किया हमने उस आर एन ए को हमने उस आर एन ए को प्रोटीन नहीं बनाने दिया सो इन दिस टेक्निक टारगेट एम आर एन ए विल बी साइलेंस्ड राइट विल बी साइलेंस्ड बाय

डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंट्रोड्यूस करेंगे और हम अपने टारगेट एम की साइलेंसिंग कर देंगे ओके, ओके, राइट डन बच्चे, डन डन, इतना क्लियर है इतना क्लियर है सो इन दिस टेक्निक टारगेट एम आर एन ए विल बी साइलेंस्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए विच विल प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ विच वेल प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ टारगेट एम आर एन ए क्लियर है इतना क्लियर है सो दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द आर एन ए इंटरफेरेंस बच्चे कौन सी बुक की बात हो रही है एनसीआरटी से ही पढ़ना है एनसीआरटी से ही पढ़ना है ठीक है बुक में दे रखा है इतना क्लियर हो गया इतना क्लियर हो गया ठीक है

बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने होमवर्क्स को लिख ही नहीं रहे हैं मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या सारी बायो आ गई है हाँ सारी बायो समझ में आ गई है क्योंकि आजकल बच्चे क्या, क्या कर रहे हैं बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता ही नहीं रहे कि हाँ मैम आपने ये वाला होमवर्क दिया था और ये वाला होमवर्क हमें समझ में आ गया और इसका ये मतलब है हाँ वो करना शुरू कर दो ठीक है करना शुरू कर दो समझ में आया ओके ओके, ठीक है सो अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का क्या सोर्स है इसका सोर्स है ट्रांसपोजोन्स विच आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स या जेनेटिक मटेरियल, ठीक है उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यस, किसकी मदद से हम लोग कुछ एक आर एन एस की हाँ हम लोग कुछ एक वायरसेस की मदद से राइट right? कुछ एक वायरसेस की मदद से हम लोग डबल स्टैंडर्ड आर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो बाय ट्रांसपोजोन्स विच आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स और बाय एन इंफेक्शन ऑफ बाय द इन्फेक्शन ऑफ ऑफ वायरसेस कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ठीक है कंटेनिंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस समझ में आ गया समझ में आ गया अब इसको हमने कैसे समझना है अब ये देखना इसको ड्रॉ कर लेना अब जैसे ये देखो ये आया था ट्रांसपोजोन का ये आया था नेमाटोड का जीन ध्यान से देखना ये आया नेमाटोड का जीन ये एंटर हुआ टोबैको प्लांट में है ना अब इस जीन ने ये एंटर हुआ टोबैको प्लांट ने अब इस जीन ने यहां बनाया एम आर एन और वहां से बनाएगा ये टोबैको प्लांट में प्रोटीन बट मैंने क्या किया बच्चे मैंने इस एम आर एन ए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जैसे मान लो यहां पे था ए यू जी सी अब मैंने इसी का कॉम्प्लीमेंट्री इसी का टबैको प्लांट में इसी का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एम ए इंसर्ट कर रखा है और ये इसी का कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए क्या करेगा कुछ एंजाइम्स की मदद से इसके साथ जुड़ेगा और इसको डिस्ट्रॉय करेगा इसको डिस्ट्रॉय करेगा ये है बेसिक प्रोसीजर पहले बताओ ये बेसिक प्रोसीजर समझ में आया बेसिक फंडा समझ में आया देखो तुमने एक टेक्निक पढ़ रखी है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोगों ने जेनेटिक्स में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रखा है हम लोगों ने जेनेटिक्स में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रखा है उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने पढ़ा है कि हम मतलब उसमें तो बेसिकली ये बताया ना कि कैसे हम ह्यूमन के जीन्स को स्टडी कर लेते हैं उन सिक्वेंसेज को स्टडी कर लेते हैं हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सा लार्जेस्ट जीन है कौन सा स्मॉलेस्ट है राइट कितना परसेंट डीएनए फंक्शनल ए प्रोटीन्स दे रहा है कितना परसेंट डीएनए के बारे में हम जानते ही नहीं है हमने वहाँ पर सब कुछ पढ़ा सो so, यहाँ पर भी बच्चे यही चल रहा है यहाँ पर भी यही चल रहा है अगर हम ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बना रहे हैं अगर हम ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमें उस टोबैको प्लांट को हमें उस ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट को इस नेमाटोड से बचाना है राइट वी नीड टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस नेमाटोड सो हमें पता है वी हैव दैट नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स राइट हमें पता है कि नेमाटोड का कौन सा जीन और उसका कौन सा एमआरएनए इंफेक्शन करता है इतना होमवर्क तो हम करके रखेंगे बताना जरा इतना होमवर्क तो हम करके रखेंगे हा कि ना इतना होमवर्क हम करके रखेंगे अगर मुझे एक ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाना है और मुझे पता है मुझे उसको उस नी, इनकोग्निशिया से बचाना है सो मैं क्या करूंगी मुझे आरएनए इंटरफेरेंस यूज करना है सो मैं मुझे मेरे टारगेट एमआरएनए का सीक्वेंस पता है राइट मुझे मेरे टारगेट एमआरएनए का सीक्वेंस पता है मैं उस टारगेट एमआरएनए आर की कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ही इंट्रोड्यूस करूंगी ताकि मैं ताकि मैं इस टारगेट के साथ उसको जोड़ के उसकी ट्रांसलेशन ना होने दूं और उसको क्या कर दूं उसको डिस्ट्रॉय कर दूं राइट right? उसको डिस्ट्रॉय कर दूं सो इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या चल रहा है ये समझ में आया बेसिकली क्या चल रहा है ये समझ में आया जल्दी बताना राइट इन जनरल वहां क्या चल रहा है ये समझ में आया हाँ श्योर श्योर हाँ बच्चे हाउ टू इंट्रोड्यूस भी करेंगे पहले बताओ ये श्योर हुआ राइट सो अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करो कि इस सेल में इस सेल में राइट इट्स अरियोटिक सेल आर यू गेटिंग माई पॉइंट इट्स अरियोटिक सेल सो यू कैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है बताओ जरा यू कैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है इन द यू कैरियोटिक सेल वेयर विल ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस जल्दी बताओ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी जल्दी बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन होती है बच्चे न्यूक्लियस में राइट right? और ट्रांसलेशन होती है तुम्हारी ट्रांसलेशन होती है तुम्हारी साइटोप्लाज्म में पता है ना साइटोप्लाज्म में समझ में आया समझ में आया अब मैंने क्या किया इसी यूकैरियोटिक सेल में किसी भी वेक्टर की मदद से या किसी भी आर वायरस किसी भी वायरस की मदद से मैंने ये था मेरा एक टारगेट एम ये देखो ये था मेरा एक टारगेट एम ठीक है लेट्स से इस एम पर कोई एक्स सीक्वेंस था हम लोग एकदम लिए मैंने एक ले रहे हैं ए यू जी सी ए रैंडमली बता रही हूँ मैं तुम्हें ए यू जी सी ए रैंडमली कोई सीक्वेंस बता रही हूँ हमें अच्छे से पता है कि वैन बी टॉक अबाउट आर एन ए इट कंटेन्स इट कंटेन्स यूरेसिल एट प्लेस ऑफ पता है ना यूरेसिल एट प्लेस ऑफ समझ में आया इट कंटेन्स यूरेसिल एट प्लेस ऑफ थाइमीन आर यू अवेयर ऑफ इट आर यू अवेयर ऑफ इट ठीक है अब मैंने किसी भी आर एन ए वायरस की मदद से यहां पर एक जीन इंट्रोड्यूस कर दिया लेट से उस जीन के पास सीक्वेंस है ए टी जी सी ए लेट से बच्चे उस जीन के पास ये सीक्वेंस है इसको समझने की कोशिश करना जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई दिस थोड़ा सा जेनेटिक्स का रोल आएगा अगर मतलब मैंने ये ये है मेरा डीएनए डीएनए पे तुम्हें पता है थाइमीन होगा आरएनए पे यूरसिल होगा डीएनए पे थायमिन होगा दीपक आरएनए पर यूरसिल होगा मैंने इस पर्टिकुलर डीएनए को राइट यू कैन से दैट मैंने इस पर्टिकुलर डीएनए को डीएनए uh, को लेट्स से यहां पर इंट्रोड्यूस किया राइट लेट्स से यहां पर इंट्रोड्यूस किया मान लो मान लो इस पर्टिकुलर डीएनए को मैंने इस सेल में इंट्रोड्यूस किया अब इस डीएनए ने पहले बताओ पहले बनाया सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए राइट right. तो so, क्या होगा एम आर एन ए पे सीक्वेंस कोई बता सकता है मुझे इसने बनाया सिंगल स्टैंडर्ड एम आर एन ए सो वट विल बी द सीक्वेंस वट विल बी द सीक्वेंस ऑन एम आर एन ए कोई भी बच्चा बता सकता है कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा क्या होगा वहां पर Huh? ये देखो यहां आ जाएगा U ऑब्वियसली यहां आ जाएगा A ओ माय बैड हाँ हां इस पे आ जाएगा A U G C एंड A ये आ जाएगा ये आ जाएगा जिसको डाउट है कि ऐसा कैसे हुआ क्योंकि बच्चे जब भी जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है सो टेम्पलेट स्ट्रैंड हम कौन से वाला लेते हैं हैविंग द पोलैरिटी प्राइम प्राइम टू राइट हम कौन से वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड लेते हैं हैविंग द पोलैरिटी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम सो हमने इसके एक स्ट्रैंड को कॉपी करके ये एम आर एन ए बना दिया हमने इसके दूसरे स्ट्रैंड को भी कॉपी कर लिया दूसरे स्ट्रैंड को भी कॉपी कर लिया क्योंकि यहां हमें रिक्वायरमेंट क्या है डबल स्टैंडर्ड आरएनए की सो so, जब तुमने दूसरे वाले को भी कॉपी किया तो यहाँ क्या आ जाएगा यू यहाँ क्या आ जाएगा ए सी जी और यू सो so, ये भी तो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ये भी आपस में जुड़ जाएंगे समझ रहे हो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे सो so, इस तरह से हम लोग एक डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए इंट्रोड्यूज करते हैं राइट right? इस तरह से हम लोग डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए इंट्रोड्यूज़ करते हैं अब उसके बाद क्या हो जाता है राइट right, इस यू कैरियोटिक सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं सो सनाया राइट ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन राइट द टेम्पलेट हैविंग पोलैरिटी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम विल बी यूज टू फॉर्म द एम आर एन ए राइट इट विल बी यूज टू फॉर्म द एम आर एन ए आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो ललित इसके बाद हम लोग एक एंजाइम को डिस्कस करते हैं डू यू नो द नेम ऑफ दैट एंजाइम दैट इज डाइसर क्या बोलते हैं हम उसको इंजाइम को डाइसर क्या बोलते हैं हम लोग उसको डाइसर डाइसर एक एंडो है, right? है या तुम लोग कह सकते हो इट इट राइट ये क्या है ये एक आर एन एज है अब ये क्या करेगी ये क्या करेगी ये इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को तोड़ना शुरू कर डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ेगी यस और नो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को तोड़ेगी यस और नो यस और नो ये डबल स्टैंडर्ड आर को तोड़ देगी छोटे 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 स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उनको तोड़ तोड़ के सिंगल स्ट्रांड्स भी बना देगी राइट right? इनको तोड़ तोड़ के सिंगल स्ट्रांड्स भी बना देंगी अब ये जो ये सिंगल स्ट्रैंड बने हैं बच्चे ये कुछ एक प्रोटीन्स के साथ जुड़ेंगे कुछ एक प्रोटीन्स के साथ जुड़ेंगे किसके साथ जुड़ेंगे प्रोटीन्स के साथ और उसको हम लोग कहते हैं आई आर आई एस सी रिस्क रिस्क, रिस्क. मतलब जब ये प्रोटीन्स और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन ए फ्रेगमेंट है विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू योर टारगेट एम आर एन ए विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू योर टारगेट एम आर एन ए जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आर एन ए कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़ा सो इसने बना दिया रिस्क वॉट इज रिस्क इट इज आर एन ए यहां लिख रही हूं मैं इट इज आर एन ए साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इट इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज रिस्क समझ रहे हो दैट इज रिस्क क्या है ये क्या है ये दैट इज रिस्क आर आई एस सी इसके बारे में लिखो फटाफट फड़. इसके बारे में लिखो आर आई एस सी राइट राइट लिखो जरा इससे आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ठीक है? So, अब जब हमारी ने, जब हमारी ने, ने इस RNA को क्लीव करके छोटे-छोटे छोटे-छोटे बनाए बनाए थे थे ना, छोटे -छोटे small fragment थे ना, ये जो इसको हम लोग SI RNA कहते हैं। इसको स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग इसको स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए सो इसमोल इंटरफेरिंग आर एन ए के साथ जब कुछ एक और मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जुड़ते हैं राइट सो टुगेदर दे आर फॉर्मिंग दिस रिस्क ठीक है ठीक है सो टुगेदर इट इज फॉर्मिंग दिस रिस्क आर एन ए साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आया समझ में आया जल्दी बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया बहुत ईजी है ये बहुत ईजी है ये ठीक है ठीक है ओके okay. बताओ जरा इसे डन बच्चे हाँ एक मिनट सो so, ज़रूरी नहीं है राइट right? ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को हमेशा मतलब वेक्टर्स को यूज़ करना है, हम केमिकली सिंथेसाइज आर भी यूज़ कर सकते हैं ओके okay? हम केमिकली सिंथेसाइज आर भी यूज़ कर सकते हैं सो so, जैसे बच्चे ये रिस्क कॉम्प्लेक्स बना तुम्हारी डाइसर आई और डाइसर फिर इसको सेपरेट कर देगी ठीक है देन तुम्हारी डाइसर इसको सेपरेट कर देगी मिनट लिख लो इसको ठीक है ठीक है so, सो ये है कंप्लीट प्रोसीजर कि हमने क्या किया हमारे पास एक टारगेट एम आर एन ए है आई एम रिपीटिंग इट अगेन हमारे पास एक टारगेट एम आर एन ए है उसके कॉम्प्लीमेंट्री चाहे हम लोग केमिकली सिंथेसाइज्ड आरएनए यूज़ कर लें चाहे किसी वायरस की मदद से

राइट देन वी कॉल इट ए स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए सो ये स्मॉल इंटरफेरिंग आर एन ए प्लस जब मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जुड़े इट इज फॉर्मिंग रिस्क इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स राइट राइट और ये कॉम्प्लेक्स जाके जुड़ेगा तुम्हारे टारगेट एम आर एन ए के साथ और उसको क्या कर देगा उसको कर देगा डिस्ट्रॉय राइट उसको ये क्या कर देगा डिस्ट्रॉय सो इन दिस वे इन दिस वे हम लोग उस टारगेट एम को प्रोटीन नहीं बनाने देते हम उसकी साइलेंसिंग कर देते हैं ये बच्चे मैंने तुम्हें जनरल प्रोसीजर बताया आर इंटरफेरेंस का ठीक है ये मैंने तुम्हें जनरल प्रोसीजर बताया आर इंटरफेरेंस ए इंटरफेयरेंस का आर एन इंटरफेरेंस काम कैसे करता है राइट कि आर इंटरफेरेंस काम कैसे करता है अब उस पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक टोबैको के लिए लिख लो स्टेप्स राइट right, ये तुम्हें सिर्फ मकैनिज्म है सो यू शुड नो अबाउट द यू शुड नो अबाउट द रिस्क एंड ऑलवेज इंटरफेरेंस इज़ प्रेजेंट इन द रिमेटर सेल एज सेलुलर डिफेंस मकैनिज्म सेलुलर डिफेंस मकैनिज्म समझ में आया सो so, हमने इसको कैसे बनाया हमने लिए नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स राइट उस नेमाटोड के नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स का मतलब है कि उस नेमाटोड के टारगेट एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ले लिया सीक्वेंस ले लिया सो बाय यूजिंग दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम याद है बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम याद है तुम्हें एग्रोबैक्टीरियम व्हिच इज अ नेचुरल इंजीनियर जो हमारा नेचुरल इंजीनियर है राइट

राइट राइट इट विल फॉर्म एम आर एन एस और नो राइट सो अब ये जीन एम आर एन ए बनाएगा सो देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक की नहीं दोनों की देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ आर एन ए राइट मतलब बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ आर एन में आ जाएगा दैट इज सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड मतलब उस जीन के दोनों

राइट सो इट इज गोइंग टू इनिशिएट आर एन ए इंटरफेरेंस उसके बाद क्या होगा विल बी द साइलेंसिंग ऑफ़ ऑफ़ स्पेसिफिक नेमाटोड यही होगा बच्चे ये देखो ये सारे स्टेप्स मैंने यहां पे लिख दिए देयर विल बी द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एम आर एन नेमाटोड सो नेमाटोड क्या होगा नेमाटोड विल गो अवे है ना नेमाटोड दूर चला जाएगा और हमारा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट सेफ हो जाएगा सो so, यहां से क्वेश्चन एक तो यहाँ पे आता है ये भी आता है ठीक so, है सो दिस इज हाउ द आर एन ए इंटरफेरेंस विल बी अचीव क्लियर है क्लियर है क्लियर है दिस इज हाउ द आर एन ए इंटरफेरेंस विल बी अचीव डन बच्चे डन श्योर sure?

सारी स्टेप्स क्लियरली स्पेसिफाइड हैं सो so, इसको मार्क कर लेना ना इसको मार्क कर लेना सो so, ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है कि किसकी मदद से नेमाटोड स्पेसिफिक जीन होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस होंगे सो यू कैन राइट डाउन एग्रो बैक्टीरियम वैक्टस राइट एग्रो बैक्टीरियम वेक्टस समझ में आ गया इंजाइम्स भी मैंने तुम्हें बता दी सो दिस फिन आर एन ए इंटरफेर विल हेल्प अस टू फॉर्म द ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट ओके अच्छा तुम में से कितने बच्चों को फ्लेवर सेवर टमैटो का पता है तुम में से कितने बच्चों को फ्लेवर सेवर टोमेटो का पता है इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हाँ इट इज द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसजेनिक टोमेटो ना फ्लेवर सेवर टमेटो कितने बच्चों को पता है राइट right? कितने बच्चों को पता है हाँ huh? इसकी ये देखो नेचुरली जो हमारे पास टोमेटो रहते हैं नेचुरली जो हमारे पास टोमेटो रहते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है वो जल्दी से पक जाते हैं और खराब हो जाते हैं लेकिन जब तुम लोग फ्लेवर सेवर टोमेटो की बात करते हो राइट डीज आर द ट्रांसजेनिक टोमैटोज राइट डीज आर द ट्रांसजेनिक टोमैटोज जिसमें क्या किया गया है इन विच द इंजाइन द इंजाइम दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे इंजाइम पॉली यूरोगैलेक्टो यूरोनेज राइट इज ब्लॉक यहां पर ये इंजाइम को ब्लॉक कर दिया गया है राइट right? और ब्लॉक कैसे किया गया है बाय आरएनए इंटरफेरेंस आर एन ए से हमने इस फ्लेवर सेवर टमैटो में इस पॉलीगेलेक्टो यूरोनेस को ब्लॉक कर दिया है बच्चे ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट एमसी है ओके okay? और यही वो इंजाइम है राइट यही वो इंजाइम है जो फ्रूट की राइपनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल थी सो so, अब अपने आप तुम लोग मुझे एक चीज बताओ अब जब पॉलीगेलेक्टो यूरोनेज नहीं है राइट पॉलीगेलेक्टो यूरोनेज नहीं है सो so, ऑब्वियसली बात है राइपनिंग विल बी डिलेड यस राइट राइपनिंग विल बी डिलेड यस yes. जल्दी बताओ जल्दी बताओ सो so, यहां पर फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है delayed ripening, या मतलब शेल्फ लाइफ इज मोर जैसे मर्जी लिख लो राइपनिंग सुपीरियर टेस्ट एंड मोर न्यूट्रिय समझ में आ गया मोर न्यूट्रियंट सो दीज आर द एग्जांपल्स हियर फाइन दीज आर द एग्जाम्पल्स हियर ओके okay. सो so, उसके बाद तुम्हारे पास गोल्डन राइस का एग्जाम्पल भी है गोल्डन राइस में क्या आ जाता है तुम्हारे पास गोल्डन राइस में क्या आ जाता है बच्चे तुम्हारे पास बता सकते हो बी टी कॉटन का तो एग्जाम्पल हमने कर लिया अब हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू में एक हमारे पास गोल्डन राइस का एग्जाम्पल भी तो है जिसमें क्या प्रेजेंट है इट इज वाइटमिन ए एनरिच्ड राइट इट इज विटामिन ए रिचड इन एक्टिव बीटा या ऑफ बीटा राइट गोल्डन राइस ये लिख लेना गोल्डन राइस ठीक है बच्चे ठीक है बच्चे सो इसमें क्या है इसमें तुम्हारा विटामिन ए के प्रसर्स है राइट राइट सो इट कंटेन्स द

है important important ठीक है सो जिन लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस है नाइट ब्लाइंडनेस समझते हो ना तुम लोग नाइट ब्लाइंडनेस जैसे हमारी आईज में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट द आईज आईज में रिमेंबर रेटिना रेटिना के पास तुम्हारे फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इन द रेटिना वी हैव द फोटो रिसेप्टर सेल्स उन फोटो रिसेप्टर सेल्स में तुम लोग पढ़ते हो रोड्स के बारे में तुम लोग पढ़ते हो कॉन्स के बारे में सो so ये जो तुम्हारे रोड्स है ना बच्चे रोड्स रोड सेल्स के पास होती है पिगमेंट रोडोप्सिन राइट रोडोप्सिन राइट और यही रोड सेल्स हमें कब विजन देते हैं डिम लाइट में इनकी मदद से हमें डिम लाइट में विजन मिलता है सो so इसमें क्या है रोडोप्सिन विच इज बेसिकली अप ऑफ वाइटमेन ए सो so, अगर जिन लोगों में वाइटामिन ए की डेफिशिएंसी है जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उन लोगों में बच्चे क्या रहता है उनको नाइट ब्लाइंडनेस का इशू रहता है सो so, वो लोग अगर गोल्डन राइस खाएंगे तो विटामिन ए की डिमांड उनकी पूरी हो जाएगी और जिसकी वजह से ये इशू भी नहीं रहेगा ओके okay? सो so, ये है वो ये नाइट ब्लाइंडनेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सो so, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना The genetically modified brinjal in India has been developed for its genetically modified brinjal. Hanji, fada fada. genetically modified brinjal. Jaldi all examples. Bhi सो क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर हा सो यस इंसेक्ट रेजिस्टेंस उसके बाद प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू जल्दी एग्जैक्टली नेमाटोड्स अब इन बीटी कॉटन द टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू हैज प्रो टॉक्सिन राइट प्रो टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू इसका क्या आंसर होगा इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू Alkaline pH of the insect gut. So Cry1 endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis are effective against Cry1 endotoxin. They are effective against cry AC, Cry1A, AB, wale. They are effective against ball worms. ठीक है? चलो. So अब हम लोग बच्चे इसकी application देखेंगे medicine में. कहाँ देखेंगे हम लोग इसकी application मेडिसिन में ठीक है ठीक है इतना क्लियर है यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ राइट right? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ और उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज बता देती हूं हिरुडन फॉर्मेशन की राइट right? किसकी हिरुड इन फॉर्मेशन की बच्चे तुम में से कोई जानता है व्हाट इज हिरुडन किसी को हिरीडिन के बारे में पता है जल्दी जल्दीरियुडेन बच्चे हिडेन तुम्हारा एक नेचुरल एंटी ब्लड क्वाग्यूलेंट है पता है तुम लोगों को इसके बारे में इट्स अ नेचुरल एंटी ब्लड क्वेग्यूलेंट व्हाट इज इट इट इज द नेचुरल एंटी ब्लड क्वेग्युलट जैसे हम ह्यूमंस के केस में हमारे पास क्या आ जाता है हमारे पास हेपरिन प्रेजेंट है हमारे पास हेपरिन प्रेजेंट है सो so, वैसे ही जब तुम लोग लीच की बात करते हो जिसको हम हीडिनेरिया बोलते हैं उसके पास क्या प्रेजेंट है उसके पास हीन प्रेजेंट है उसके पास क्या प्रेजेंट है उसके पास हीन प्रेजेंट है सो इट्स अ नेचुरल एंटी ब्लड क्वैगुलेंट जैसे कई लोगों को इश्यू होता है कि उनका ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन और द क्लॉटिंग फैक्टर्स सो हाँ ठीक है सो ऐसे लोगों को जैसे हीमोफीलिया एक एग्जाम्पल है अगर माइनर सा भी कट लगता है उन लोगों को सो so उनमें इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है दैट दे कैन इवन डाई राइट सिवियर केसेस में दे कैन इवन डाई ओके सो वैसे ही एक ही फॉर्मेशन हम लोग इट इज नॉट अंडर द एप्लीकेशन इन मेडिसिन ये तुम एग्रीकल्चर के साथ रिलेट कर लो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हिरोडिन के फॉर्मेशन के लिए हिरोडिन मैंने तुम्हें बता दिया इट इज बेसिकली नेचुरल एंटी ब्लड क्वैग्यूलेंट राइट इट विल नॉट अलाउ द ब्लड टू गेट क्वेगुलेटेड राइट इट विल नॉट अलाउ द ब्लड टू गेट क्वेगुलेटेड इन इन्सेक्ट ब्लड वेजल जैसे हमारे पास हेपरेन है राइट right? जैसे हमारे पास हैपरेन है जैसे कट लगता है इंजरी होती है ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है बट बॉडी में बॉडी में जहाँ इंटैक्ट ब्लड वेजल्स हैं राइट जहाँ ब्लड फ्लो करते रहना चाहिए वहाँ क्लॉट नहीं बनता क्यों हेपरेन की वजह से ना वॉट इज द पॉइंट हि अब तुम्हें पता है हम प्लांट्स को एज द केमिकल फैक्ट्रीज भी यूज कर सकते हैं नो दैट you know हम लोग प्लांट्स को एज द केमिकल फैक्ट्रीज भी यूज कर लेते हैं और उन प्लांट से हम लोग अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आर्टिफिशियली सिंथेसाइज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन फॉर हिरोडिन मतलब यह ऐसा नहीं है कि किसी से एक्सट्रैक्ट किया है आर्टिफिशियलीसिका नेपस में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम लोग रेप सीड भी बुलाते हैं ओके और इसके जो सीड्स होंगे क्योंकि हमने हमने इस प्लांट में ये जीन इंट्रोड्यूस कर दिया सो प्लांट में ये जीन ट्रांसक्राइब करेगा ट्रांसलेट होगा प्रोटीन बनाएगा अनुराधा सो so, उससे क्या होगा सीड्स में क्या मिलेगा हमें सीड्स में क्या मिलेगा सो उन से हम लोग हिरोडिन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं उन सीड से हम लोग हिरोडिन को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं सो इन दिस वे वी कैन इवन यूज द प्लांट्स एज केमिकल फैक्ट्रीज राइट सो सीड्स में हिरोडिन है दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड राइट दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड क्लियर है इतना पार्ट क्लियर है राइट right? सो so, ये अलग 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 यूजेज हैं हमारे पास किसके ठीक है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के सो यही जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यही तुम्हारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स तुमको जैसा मैंने बताया फाइटो रेमेडिएशन में भी यूज हो जाते हैं फाइटो रेमेडिएशन मतलब मतलब फाइटो माने प्लांट्स जैसे कई प्लांट्स को जब हम लोग ग्रो करते हैं तो वो हैवी मेटल्स को ऑब्जॉर्व कर देते हैं तो उस नियर बाय सॉइल को क्लियर कर देते हैं right? राइट ऐसे भी यूज कर लेते हैं डिजीज रेजिस्टेंट भी है पेस्ट रेजिस्टेंट भी है ऐसे भी हैं जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है बस एक इशू आ जाता है बच्चे सुपर वीड का राइट right? मतलब वैसे तो कई सारे इश्यूज हैं अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के साथ ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं अपनी डाइवर्सिटी को छेड़ रहे हैं राइट right? हम लोग अपनी डायवर्सिटी को छेड़ रहे हैं समझ रहे हो मतलब हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी को तंग कर रहे हैं वी आर प्रमोटिंग सर्टेन कैरेक्टर राइट वी आर प्रमोटिंग सर्टेन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर उसके कंपैरिजन में प्रमोट नहीं हो रहे सो so ऑब्वियसली बात है इट कैन क्रिएट एन इम्बैलेंस इन दैट डाइवर्सिटी ठीक है और उसके अलावा अगर मैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में कई बार क्या होता है कुछ लोग इनके लिए एलर्जिक हो सकते हैं हो सकता है आपका गट फ्लोरा इन पे फीड करे वो कई सारी चीज़ों के लिए रेजिस्टेंट हो जाए अदर देन दैट ये मैं तुम्हें ड्रॉबैक्स बता रही हूँ एक सुपर वीड का कॉन्सेप्ट भी है कई बार तुम्हारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स राइट किसी वीड के साथ ना चाहते हुए भी राइट right, क्रॉस कर लेते हैं ना चाहते हुए भी क्रॉस कर लेते हैं देन दे रिजल्ट इन सुपर वीड्स जो इतना ज़्यादा ग्रो करती हैं इतना ज़्यादा न्यूजेंस क्रिएट करती हैं बाकी के क्रॉप्स को डैमेज कर देती हैं और हम इजीली इन्हें किसी केमिकल uh, फर्टिला किसी केमिकल के साथ इसी क्या, है ना केमिकल हरवी के साथ कंट्रोल नहीं कर पाते केमिकल वीडी साइड किससे कंट्रोल नहीं कर पाते समझ में आया समझ में आया आर यू गेटिंग इट आर यू गेटिंग इट जल्दी बताओ आर यू गेटिंग इट श्योर श्योर ये वाला पार्ट क्लियर है ये वाला पार्ट क्लियर है ठीक है सो डिसएडवांटेजेस भी है एडवांटेजेस भी है. डिसएडवाटेजेस भी हैं एडवांटेजेस भी हैं ओके सो वी आर अबाउट टू फिनिश बहुत ज्यादा है नहीं है इस चैप्टर में बहुत छोटा सा चैप्टर है बहुत छोटा सा चैप्टर है क्लियर सो so, अब हमने बात करनी है बच्चे मेडिसिन में मेडिसिन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंस्युल की तुमको पता है इंस्युल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन हार्मोन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हॉमोन ये सोनो सबको पता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन ये सोनो

राइट right, यहां लिख रही हूं मैं बीटा सेल्स ने क्या किया इन्होंने रिलीज कर दिया इंसुलिन इंसुलिन क्या है बच्चे तुम्हारा ये हाइपोग्लाइसमिक हॉर्मोन है इट इज हाइपोग्लाइसेमिक हॉर्मोन हाइपोग्लाइसमिक मतलब ये ब्लड में शुगर लेवल को लो करेगा जब ब्लड शुगर लेवल एक्सेस में है तो ये ब्लड में शुगर लेवल को लो करेगा इट इज द हाइपोग्लाइसमिक हॉर्मोन होता क्या है कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है सो so, उस टाइम पर क्या होगा बीटा सेल्स बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करेंगे अब वो एक्ट ऑन हिपैटोसाइट्स दैट इज एडिपोसाइट्स वो कहां पर एक्ट करेगा तुम्हारे हिपैटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स, पे फैट सेल्स पे और लिवर सेल्स पे उसकी वजह से क्या होगा सिमरन राइट right? ग्लूकोज अपटेक बाय दीज सेल्स विल इंक्रीज राइट ग्लूकोज अपटेक बाय दीज़ सेल्स इंक्रीज़ और ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में एम आई राइट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट यह हो जाएगा ये हो जाएगा सो इन दिस वे दिस इंसुलिन हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल इन दिस वे द इंसुलिन हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल अब अब तुम्हें पता है इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी डायबिटीज कितना कंसर्निंग इशू है है ना डायबिटीज कितना कंसर्निंग इशू है यू ऑल आर वेल अवेयर कई बार क्या होता है बच्चा हा, बच्चा हमारा पेनक्रियाज ना सफिशियंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बना पाता So, लोगों को डायबिटीज हो जाती है ब्लड में एक्सेस में शुगर बढ़ जाती है अब वो शुगर कन्वर्ट भी नहीं हो रही ग्लाइकोजन में ऐसे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं सो so, पहले क्या किया जाता था जैसे पिग स्लॉटर हाउस में पिग के पेनक्रिया से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था राइट right? पिग के पेनक्रियाज से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था ठीक है जब हम ऐसा करते थे कितना अनएथिकल है हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जानवर को मार रहे हैं एक तो ये अनएथिकल है दूसरा कई लोगों की बॉडी में ये इंसुलिन रिएक्ट कर जाता था उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी राइट right? उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी तो बहुत अनएथिकल रहता था फिर क्या वे आउट निकाला गया कि क्यों ना इंसुलिन को लैब में सिंथेसाइज किया जाए राइट right? क्यों ना इंसुलिन को लैब में सिंथेसाइज किया जाए अब जब तुम इसे इंसुलिन की बात करते हो अब इस इंसुलिन की बात करते हो एज आई सेड इट्स अ पेप्टाइड हॉर्मोन एज एसेड इट्स अ पेप्टाइड हॉर्मोन अब बच्चे ये पेप्टाइड हॉर्मोन रिलीज इन दता कैसे रिलीज होता है बच्चे यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा बी टी कॉटन तुम्हारा आर एन ए इंटरफेरेंस इंस्यूलिन उसके बाद एडीए डेफिशंसी चार टॉपिक्स डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन बनता है राइट वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सो चार टॉपिक चार क्वेश्चन सोलह नंबर राइट सो बेटर यही रहेगा कि यहां पर ध्यान से फोकस कर लो ओके okay? सो so, यहां मैंने तुम्हें साथ में इंसुलिन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया जो हम ह्यूमन फिजियो में पढ़ते हैं सो काइंडली फोकस ओके सो इंसुलिन पेप्टाइड हॉर्मोन इट इज रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म दैट इज प्रो इंसुलिन राइट दैट इज प्रो इंसुलिन बच्चे इस प्रो के पास ना तीन चेन्स है ए चेन बी चेन एंड सी चेन राइट एंड सी चेन देखो इट इज अड हॉर्मोन इट्स पता है ना कितने बच्चों को पता है प्रोटीन्स आर मेडअप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर इन रिटर्न मेडअप ऑफ अमीनो एसिड्स विच ज्वाइन टूगेदर बायो पैप्टाइड बॉन्ड पता है पता है ना

राइट right, ये वाली डायग्राम देखना इससे काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी ये ये देख रहा है हम्म ये ये आ गई तुम्हारी पिंक वाली ए चेन ये आ गई तुम्हारी ब्लू वाली बी चेन और ये जो तुम्हारी व्हाइट वाली, वाली है ये जो तुम्हारी व्हाइट वाली है ये आ गई तुम्हारी सी चेन ठीक है ए और बी भी आपस में ए और बी आपस में डाई सल्फाइड लिंकेस से जुड़े ध्यान से समझना इस पार्ट को हर एक पार्ट से क्वेश्चन आता है राइट right? इसके हर एक पार्ट से तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगा ये देखो ध्यान से देखना होता क्या है नो डाउट शिवांगी मैंने तुमसे क्या कहा कि प्रोटीन हार्मोन है इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है सो so, ये बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है इसके पास ए बी और सी चेन है ए और बी चेन आपस में कैसे जुड़ी है ये देख सकते हो ये पी वाई क्यू है बच्चे ये आपस में जुड़ी हुई है तुम्हारे डाईसल्फाइड लिंकेज से राइट ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है ए एंड बी चेन आपस में कैसे जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड लिंकेज से राइट डाइसल्फाइड लिंकेज से अब अब ये मैंने क्या कहा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज होता है इट्स अ प्रोटीन हार्मोन बच्चे तुम्हें पता है ना हमारे केस में वी आर यूकैरियोट्स राइट यू नो दैट सनाया कि वी आर यूकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक प्रोसेस है जिसको हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं एंड दिस आरएनए प्रोसेसिंग इन व्हिच आरएनए स्प्लिसिंग राइट आर एन स्प्लाइसिंग कैपिंग एंड टेलिंग इज इनवॉल्ड वो प्रो में एबसेंट है कितने बच्चों को ये बात पता है यस? कितने बच्चों को ये बात पता है? बताना जरा कितने बच्चों को ये बात पता है कि यू में आर एन ए प्रोसेसिंग होती है बट दैट आर एन ए प्रोसेसिंग इज एबसेंट इन प्रो सो अब जैसे ही ये इनएक्टिव इंसुलिन बना जिसमें तीन चेन्स हैं। अगर हम इस इनएक्टिव इंसुलिन में से ये चेन निकाल दें, हैविंग 33 और 34 अगर हम C निकाल सो ये जो सिर्फ और सिर्फ ए बी चेन वाला इंसुलिन है वो कौन सा होगा वो हो जाएगा एक्टिव इंसुलिन वो कौन सा होगा एक्टिव इंसुलिन समझ में आया वो कौन सा हो जाएगा हमारा एक्टिव इंसुलिन सो so, इंफॉर्मेशन लिख लो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ए चेन कंटेन्स 21 अमीनो एसिड्स, बी चेन कंटेन्स 30 अमीनो एसिड्स और तुम्हारी सी चेन के पास नियर अबाउट 33 और 34 अमीनो एसिड्स हैं, ओके okay? 33 या 34 अमीनो एसिड्स है सो ए पहला अल्फाबेट, सो वन याद रखना 21 और बी बी से याद रखना थ्री फिर इसको थर्टी कर देना राइट right? ये मेरा तरीका है याद रखने का मेरा तरीका है याद रखने का सो ए चेन में दे विल बी ट्वेंटी वन अमीनो एसिड बी चेन में थर्टी अमीनो एसिड सी चेन विल बी हैविंग थर्टी थ्री अमीनो एसिड सो अगर मुझे इस इंसुलिन को एक्टिव करना है राइट right? अगर मुझे इस इंस्युल को एक्टिव करना है सो वॉट वट वी नीड टू डू Right हमारे केस में तो चलो आर एन ए प्रोसेसिंग हो जाएगी सो याद रखना एक्टिव इंसुलिन में क्या है हमारे पास एक्टिव इंसुलिन में क्या है हमारे पास हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ ये देखो बी चेन और ए चेन बी चेन और ए चेन सो ए चेन बी चेन लिख लेना के पास टोटल कितने हो गए 51 amino acids. ये भी तुम्हारा एमसीक्यू है राइट right? ये भी तुम्हारा एमसीक्यू है सो so, इस तरह से ये हमारे केस में काम करता है लेकिन अब तुम्हें पता है हमें करनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुराधा हमें करना है हमें इंसुलिन बनाना है ठीक है हमें करनी है जेनेटिक इंजीनियरिंग और हमें इंसुलिन बनाना है अब जब हमें पता है जो बैक्टीरिया राइट मतलब हम तो बैक्टीरिया को यूज करेंगे फॉर द जीन क्लोनिंग एम आई राइट हम तो एक बैक्टीरिया को यूज करेंगे फॉर द जीन क्लोनिंग बट बैक्टीरिया में तो बच्चे आर एन ए प्रोसेसिंग होती ही नहीं है है ना बैक्टीरिया इज अ प्रो कैरियोड और उसमें तो आर एन ए प्रोसेसिंग होती ही नहीं है देयर इज नो आर एन ए प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इन द केस ऑफ बैक्टीरिया सो so, हम लोग डायरेक्ट ह्यूमन से वो जीन लेके सिंथेसिस नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते सो so, इंसुलिन बनाना भी जरूरी था सो so, 1993 में क्या किया गया यहां पर इसीलिए 1993 में एक अमेरिकन कंपनी राइट एंड अमेरिकन कंपनी क्या नाम है उस कंपनी का उस कंपनी का नाम है एली Lily. उन्होंने क्या बनाया पहला फर्स्ट आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ह्यूमन इंसुलिन बनाया राइट ह्यूमन इंसुलिन बनाया कैसे बनाया बच्चे कैसे बनाया उन्होंने यूज किया कौन सा बैक्टीरिया दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ये लिख लो उन्होंने बैक्टीरिया यूज किया ये एमसीक्यू है कौन सा बैक्टीरिया यूज किया E और इक् e में सेपरेटली ए चेन बनाई फिर बी चेन बनाई बिल्कुल एज सच लाइक ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन की जैसी ए चेन बनाई बी चेन बनाई बाद में उसको जोड़ दिया राइट right? बाद में उसको जोड़ दिया और अंडर टैग नेम ह्यूमिलिन उसको सेल किया गया राइट right? सेल किया गया सो so ये बढ़िया बड़, तरीका था बढ़िया तरीका था हम लोगों ने कितने ज्यादा जानवर को बचा लिया ये दिख रहा है कितने ज्यादा जानवर को बचा लिया इसकी मदद से कितने सारे पिग्स स्लॉटर नहीं हुए और ये जो इंसुलिन बना है ये किसी को भी कोई भी एलर्जी नहीं करेगा क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन की तरह ही है राइट right? ये बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन की तरह ही है सो so, ये दिख रहा है सो ए एंड बी चेन कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज ए चेन के पास एक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड ब्रिज भी है सो so, yes, ये तुम्हारे इंसुलिन का स्ट्रक्चर ये तुम्हारे इंसुलिन की एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया वो उसकी एक्सप्लेनेशन रुको एनसीआरटी की तरफ से भी दिखा देते हुए ये देखो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन सो ये तुम्हारे यू नो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सो so, हमेशा याद रखना कि प्रो इंसुलिन में हमें क्या मिलेगा वेन इट इज़ प्रो हॉमोन वेन इट इज़ प्रो इंजाइन वेन इट इज़ प्रो इंसुलिन उसके पास हमारे पास सी पेप्टाइड प्रेजेंट है and when it is the mature insulin, right? We will remove the C chain. So as I said in, oh oh, my bad. मैंने यहाँ birth year लिख दिया मेरा नहीं है क्या? मैंने 1993 लिख दिया it's 1983. It's 1983. Okay, it's 1983. Fine, fine. So ये देखो एटी so, 1983 में द अमेरिकन कंपनी एली लिली इन्होंने प्रिपेयर किए दो डीएनए के सीक्वेंस और बाद में उसको इकोलाई e. के प्लाज्मेड में इंट्रोड्यूस किया वेरी इंपॉर्टेंट राइट अलग से ए एंड बी बनाई एक्सट्रैक्ट किया बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर उन्हें ज्वाइन कर दिया ठीक है ठीक है सो इट इज इंपॉर्टेंट ह्यूमिल कि हाँ ह्यूमियन टाइटल देकर फिर उन्हें बेच दिया गया सो so यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ बच्चे अब हमारा बस जीन थेरेपी का टॉपिक और थोड़ा बहुत हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिस्कस करेंगे दैट्स ऑल हमारा चैप्टर ओवर है ना ये वाला चैप्टर कितना छोटा सा है और तुम्हें पता है इस चैप्टर से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता डू यू नो दैट यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता ट you know मतलब जैसे जैसे पीवाई क्यूज तुमने किए हैं ना उसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे तुमको बॉर्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हाँ मैम हम लोगों को मतलब बार बार रिवाइज करना ना देर इज नो नीड टू बॉदर ओके एक पर जस्ट अ मिनट क्या गुड नीता बच्चे ओके okay. सो so, अब बच्चे हमने बारी बात करनी है जीन थेरेपी की किसकी बात करनी है अब हम लोगों ने हम लोगों ने बात करनी है जीन थेरेपी की अब तुम्हें पता है हमारे पास बहुत सारे जेनेटिक डिजॉर्डर <laughs> <coughs> जेनेटिक डिजॉर्डर्स के एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत सारे बहुत सारे जेनेटिक डिजॉर्डर्स के एग्जाम्पल्स हैं यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट इज इट यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट सो जेनेटिक डिज़र्डर्स में क्या है कि हमारे पास कोई एक फॉल्टी जीन है और उस फॉल्टी जीन ने फॉल्टी प्रोटीन बनाया और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ गई हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ गई अब जीन थेरेपी इट इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन रेक्टिफाई दैट फॉल्टी जीन राइट बाय विच वी कैन रेक्टिफाई दैट फॉल्टी जीन हम लोग क्या करते हैं जीन थेरेपी में बच्चे नो डाउट इट इज वेरी एक्सपेंसिव उस फॉल्टी उस डिफेक्टिव जीन की जगह राइट right. सही जीन लगा दिया जाएगा सही जीन लगा दिया जाएगा लेकिन जीन थेरेपी में भूमिका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे वो क्या है पहले ये मार्क कर लेना कि इट इज एन अटेम्प्ट राइट इट इज अ कलेक्शन जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर इफ वी डायनोज दैट इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जैसे में, तुम्हें पता है एम्ब्रियनिक स्टेजेस में जब एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं सारे के सारे सेल्स जब सारे के सारे सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं जब सारे के सारे सेल्स तो क्या चल रहा है वहाँ पे एम्ब्रियनिक स्टेजेस में जब सारे के सारे सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं अगर हमें उस स्टेज में कोई भी फॉल्टी जीन मिल जाए कोई भी फॉल्टी जीन अगर हमें उस टाइम पर मिल जाता है तो क्या हो जाता है क्या हो जाता है उस टाइम पर हम उसको चेंज कर देंगे तो वो एक तरह से परमानेंट क्योर है बट अगर इन केस हमें वो डिफेक्ट बाद में देखने को मिलता है अगर हमें वो डिफेक्ट बाद में पता चलता है सो so उससे क्या हो जाता है बच्चे उससे क्या हो जाता है वी आर नॉट एबल टू राइट वी आर नॉट एबल टू रेक्टिफाई दैट मतलब एक परमानेंट क्योर हमें नहीं मिलेगा एक परमानेंट क्योर हमें नहीं मिलेगा दैट इज द पॉइंट दैट इज द पॉइंट सो वैसे ही जीन थेरेपी जैसे ये देखो जीन्स आर इंसर्टेड इन टू अ पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज ठीक है सो अगर हमें इस जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करना है हमें एक नॉर्मल जीन वहां इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो उस नॉन फंक्शनल जीन का फंक्शन कंपनसेट कर सके दैट्स व्हाट वी हैव टू डू अब जो सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई है वो 1990 में बच्चे एक चार साल छोटी बच्ची के ऊपर हुई है राइट right? चार साल छोटी बच्ची के ऊपर हुई है. सबसे पहले जीन थेरेपी कब हुई है ये भी क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है कब यूज किया गया था इन टेक्निक्स को फर्स्ट जीन थेरेपी राइट 1990 में एक चार साल चार साल की बच्ची में ठीक है और उसमें क्या इश्यू था उस बच्ची में थी एडीए की डेफिशिएंसी राइट right? उस बच्ची में क्या थी बच्चे एडीए की डेफिशिएंसी नाउ व्हाट इज दिस एडीए एडीए स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डी अमायनेज ए डी ए स्टैंड फॉर एडीनोसिन डी अमाइनेज सो ये इंजाइम बच्चे लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट है राइट ये जो ए डी ए इंजाइम है ये कहाँ प्रेजेंट है ये लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट है बच्चे और ये इंजाइम हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये इंजाइम नहीं है तुम्हारे लिम्फोसाइट्स तुम्हारे टी लिम्फोसाइट्स का प्रोलिफ्रेशन उनकी एक्टिविटी इफेक्ट कर जाती है सो एडिनोसिन डी एंजाइम का एब्सेंस कैन रिजल्ट राइट इट कैन रिजल्ट इन द वीक इम्यून सिस्टम बेसिकली एडीए डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है स्किड नाउ व्हाट इज द स्किड मतलब उस चार साल की बच्ची को स्किड का इशू था अब ये स्किड है क्या व्हाट इज द स्किड बच्चे इट्स अ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिश सिंड्रोम ये है क्या है इट्स सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशेंसी सिंड्रोम या यू कैन सी राइट इसमें क्या हुआ इस किड में मतलब ये एक रिसेसिव है तुम कह लो बहुत कम पॉपुलेशन में तुमको ये देखने को मिलेगा राइट रिसेसिव डिजॉर्डर है ये इसमें होता क्या है सिमरल प्राइमरी इम्यूनोडेफिशर है प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मतलब बाय बर्थ है बाय बर्थ है जैसे हम लोग मेजरली दो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग मेजरली दो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात करते हैं अगर तुमने कभी सुना हो हमारे पास एक है स्किड एक होता है एड्स राइट स्किड एक तरह से प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है और एड्स सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मतलब जिसको हम क्या हो जाएगा बच्चे इस एडीए की डेफिशियंसी की वजह से उसमें क्या था इम्यून सिस्टम फंक्शनल नहीं था यह इंजाइम इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है राइट right? सो so, उससे इंजाइम के ना होने की वजह से क्या हो गया स्किड

सिंथेसिस ऑफ एडीए इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एडीए समझ में आया अब देखो अब उस बच्ची के पास जिसके पास लिम्फोसाइट्स उसके फंक्शनल नहीं है सो so, तुमको लगता है कि वो किसी भी बीमारी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है बिल्कुल भी नहीं राइट right. किसी भी बीमारी से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि बच्चे उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो उसको एक सिंपल कोल्ड से एक जुकाम से नहीं बचा सकता समझ रहे हो समझ रहे हो सो so, ऐसे केस में इसे बच्चे को कैसे ट्रीट किया गया हमारे पास यहां दो टेक्निक्स हैं वन इज इंजाइम ट्रीटमेंट हा इजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एक आ जाती है यहां पर बच्चे ई आर टी विच इज योर इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी राइट दूसरी क्या आ जाती है हमारे पास बी एम टी दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन राइट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दूसरा क्या आ जाता है बच्चे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली ये जीन थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक है बच्चे और ये दोनों टेक्निक्स यहां पर टेंपरेरी दे विल नॉट प्रोवाइड द परमानेंट क्योर अगर यही स्किड राइट right? अगर यही स्किड इसका पता एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में लग जाता राइट right? अगर इसी स्किड का पता एम्ब्रोनिक स्टेज में लग जाता सो so डेफिनेटली उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया जा सकता था बट अब क्या हुआ चार साल की एज में पता लगा सो so इन दो टेक्निक्स को इंजाइम रिप्लेसमेंट थे बी एम को यूज किया जा सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को यूज किया जा सकता है राइट राइट बच्चे सो so अब समझ रहे हो सो so अब सबसे पहले क्या किया गया क्या किया गया है ना इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज किया गया राइट दोनों दोनों अप्रोचेस कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है दे आर टेम्परेरी राइट बोथ द अप्रोचेस आर टेम्परेरी दे आर नॉट कंप्लीटली क्योरेटिव अब जब हमने ई आर टी के यूज किया तो हमने क्या किया लिंफोसाइट में जब ई आर टी को यूज किया गया तो क्या किया गया इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल इंजेक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए फंक्शनल एडीए वर गिवन इसमें क्या किया जाएगा इस फंक्शनल एडीए के इंजेक्शन को दिया जाएगा राइट फंक्शनल एडीए के इंजेक्शन को दिया जाएगा समझ में आया समझ में आया राइट right? दोनों दोनों की दोनों कंप्लीटली क्योरेटिव नहीं है सो पेरेंट पेशेंट को इंजेक्शंस ऑफ फंक्शनल एडीए विल बी गिवन समझ आया अब इसमें किया क्या गया जैसे जो भी पेशेंट है राइट right? इसमें टेक्निक में किया क्या गया बच्चे पेशेंट से पेशेंट की बॉडी से लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया राइट right? लिम्फोसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया मतलब उसकी बॉडी से ब्लड निकाला गया ब्लड से लिंफोसाइट ध्यान से सुनना बच्चे परमानेंट तब होता मुनाजार अगर यही चीज एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में की जाती जहां पर हर एक सेल से उस फॉल्टी जीन को रिप्लेस किया जाता राइट राइट सो वो ऐसा नहीं हो पाया इसीलिए टेम्परेरी इसमें किया क्या जाता इस टेक्निक में किया क्या जाता है पेशेंट की बॉडी से पेशेंट से क्या लिया जाएगा लिंफोसाइट एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे पेशेंट के ब्लड से लिंफोसाइट एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे फिर क्या किया जाता है उन्हें उन्हें किया जाता है बच्चे कल्चर क्या किया जाता है कल्चर आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में हमने इसको क्या किया जल्दी बताओ कल्चर किया आउटसाइड द बॉडी कल्चर किया आउटसाइड द बॉडी राइट कल्चर आउटसाइड द बॉडी फिर हमने क्या किया बच्चे द फंक्शनल जैसे सपोज करो दिस इज द कल्चर सो यहां पे हमने फंक्शनल फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर एडीए विल बी इंट्रोड्यूस्ड राइट इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर एडीए विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस किसी भी वैसे तो किसी भी वेक्टर की मदद से हमने किसको यूज किया रेट्रोवायरस को हमने किसको यूज किया रेट्रोवायरस को सो so, अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन आ जाता है कि मैम वॉट इज सी डी एन ए राइट वॉट इज सी डी एन ए बच्चे सी डी एन ए स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए cddn किसके लिए स्टैंड करता है इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अब तुम्हें पता है व्हेन इट इज द रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बताना जरा यहाँ पर पहले यही बात कर लेते हैं जैसे लेट्स से लेट्स से ये है तुम लोगों का रेट्रोवायरस राइट सो रेट्रोवायरस क्या है हैविंग आरएनए वो क्या करता है वो करेगा या नहीं करेगा बताना जरा उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी जैसे लेट्स so, से दिस इज द आरएनए सो इस आरएनए से डीएनए बनाया जाएगा और इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर यू गेटिंग माय पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सो रेट्रोवायरस इज द वन बच्चे हैविंग आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल उसमें क्या होगा आरएनए से डीएनए बनता है

we know that retrovirus can cause the infection right we know it very well we know that ki retrovirus can cause the infection so agar hame is retrovirus ko as a vector use karna hai if we want to use this retrovirus as a vector so hum log kya karenge we are going to disarm harmful genes हम लोग इसके harmful genes को disarm करेंगे remove करेंगे और यहां पर हम अपना right बच्चे यहां पर हम अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करेंगे और वो डिजायर्ड जीन में क्या है हमारे पास हमारा बेसिकली uh, उस एडीए का ए डी ए का कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए होगा समझ में आया सो ए फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डी एन एग रेट्रोवाइरस विल बी इंट्रोड्यूसड और कौन सा रेट्रोवाइरस दैट इज एडीनो वायरस ये लिख लेना एडीनो वायरस यूज किया गया है राइट right?

तुम्हारे लिम्फोसाइट्स के पास वो पर्टिकुलर इंजाइम आ गई या नहीं आई टेल मी आ गई आ गई है ना है ना अब इन लिम्फोसाइट्स में तुम्हारा फंक्शनल इंजाइम फंक्शनल एडीए आ जाती है बट बच्चे बच्चे ये ये लिम्फोसाइट्स दे आर नॉट राइट दे आर नॉट इमोटल ये अमर नहीं है ये देखो ये दे रखा है हाँ किज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीन थेरेपी लिम्फोसाइड्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट दे आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड अ फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वैक्टर सो कौन सा वैक्टर यूज किया हमने एडीनो वायरस वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट राइट उसके बाद हमने वो लिम्फोसाइड्स पेशेंट को वापस कर दिए वो हमने लिम्फोसाइट पेशेंट को वापस कर दिए सो हाउ एवर बच्चे दी सेल्स आर नॉट इमोटल ये लिफोसाइट इमोर्टल नहीं है एक टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाएगी खत्म हो जाएंगे बॉडी में सो so, हमें टाइम टू टाइम टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट करना है समझ रहे हो टाइम टू टाइम हमें रिप्लेसमेंट करना है पीयोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज रिक्वायर्ड सो ये बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग प्रोसेस है वो पेशेंट भी तंग रहेगा बच्चे बार बार यही प्रोसीजर करने में प्लस खर्चा होगा सो अलग राइट right? खर्चा होगा सो अलग सो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इसका पता लग जाए तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है राइट right? इसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है बाकी अब आ जाओ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे तुम्हें पता है बायोटेक्नोलॉजी ना किसी भी डिजीज को अर्ली डायग्नोसिस में भूमिका मदद करती है जैसे अगर मैं कन्वेंशनल तरीकों की बात करूं कन्वेंशनल मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं राइट right? जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं सो so, उन ट्रेडिशनल तरीकों में क्या करते हैं हम लोग ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं right? राइट हम लोग क्या करवा लेते हैं ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं यस और नो यस और नो ब्लड टेस्ट हो गया यूरिन टेस्ट हो गया बॉडी फ्लूड टेस्ट करवा लिए सो so, बच्चे कन्वेंशनल वेज में पता है क्या होता है बीमारी का तब पता लगता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आर यू गेटिंग माई पॉइंट कन्वेंशनल वेज में बीमारी का तब पता चलता है जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो पैथोजन ने हमारी बॉडी को हाईजैक कर लिया है लेकिन अगर हमें किसी बीमारी को ऐसे ट्रीट करना है कि हमें अर्ली स्टेजेस में ही उसका पता लग जाए हमें पता लग जाए हम ट्रीट कर लें हम सही हो जाएंगे सो उसके लिए मोलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक्स ज़रूरी है क्या जरूरी है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक्स जरूरी है सो दीज आर ये देखो सो फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट अर्ली डायग्नोसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी को शुरू में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है बच्चे सो so ये लाइन तुम लिख सकते हो कि आर डी एन ए टेक्नोलॉजी पीसीआर इन लिंक्ड लिंक इम्यूनो सॉबेंट एसे दैट इज आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस याद है ये किसी को जैसे कोविड के टाइम पे आरटीपीसीआर करवाया जाता था आरटीपीसीआर करवाया जाता था कोविड के टाइम पे है ना सो so, ये चीजों की वजह से इन टेक्निक्स की वजह से हमें बहुत अर्ली स्टेजेस पे पैथोजन का पता लग जाता है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अब मार लो हम हमार मान लो हमारे ब्लड में किसी भी किस कोई भी पैथोजेनिक डीएनए मतलब किसी भी पैथोजन का जो डीएनए है इफ इट इज एन वेरी अमाउंट से इट वेरी लेस अमाउंट अमाउंट ये कितने amount में है ये बहुत 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 कम अमाउंट में बहुत कम अमाउंट में तो क्या होगा अगर हम पी करेंगे और हमें कोई बहुत माइन्यूट सा डी भी मिलता है ना बच्चे बहुत कम सा डी भी अगर हमें मिलता है ना हम पी से उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं राइट right? हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं बेटर वे है अब अब जैसे तुम लोग एलाइजा की बात करते हो ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है इन्ज़ाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे जिसमें हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शन को स्टडी करते हैं जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरैक्शंस को जैसे लेट्स से मेरे ब्लड में राइट सभा लेट्स से मेरे ब्लड में कोई पर्टिकुलर एंटीजन है राइट right, बहुत कम क्वांटिटी में है डॉक्टर को डाउट हुआ कि ये एंटीजन हो सकता है मैंने एलाइजा करवाया उस एलाइजा में अगर किसी एंटीजन का या किसी पैथोजन का मुझे डाउट है मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज़ यूज़ करूंगी अगर मेरे ब्लड में वो एंटीजन बहुत कम क्वांटिटी में भी हुआ वो उसके साथ जुड़ जाएगा कलर इम्पार्ट करेगा वी विल गेट टू नो अबाउट इट और अनदर वे आउट जैसे सब सपोज करो कि मेरी बॉडी में कोई एंटीजन है ठीक है मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू किया उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू किया सो जब मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट किया बहुत कम क्वांटिटीज में एंटीबॉडीज़ बनाई अब अगर डॉक्टर को मतलब एक आइडिया है जिसने भी टेस्ट कंडक्ट किया कि ये वाला एंटीजन हो सकता है सो so, वो उस एलाइजा प्लेट में उसके वेल्स में उस पर्टिकुलर एंटीजन को रखेंगे और एक सेट से, से ऑफ हाँ एक कुछ स्टेप्स के थ्रू हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग चेक कर सकते हैं कलर प्रोडक्शन होगा राइट सो उससे हमें पता लग सकता है सो so, ये टेक्निक्स अर्ली डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इन टेक्निक्स की मदद से बच्चे हमें तब किसी बीमारी का पता लग जाता है जब उस बीमारी के सिम्टम्स तक नहीं आते राइट right? उस बीमारी के जब सिम्टम्स भी नहीं है समझ रहे हो सो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज नॉर्मली सस्पेक्टेड वेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज लेकिन लेकिन इन मोलिक्युलर डायग्नोसिस से हमको बहुत अर्ली स्टेजेस में पता लग जाता है जैसे पता है ना एच के लिए एलाइजा करवाया जाता है बट फॉर द कन्फर्मेशन विल गो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग पता है ना कन्फर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग कन्फर्मेटरी टेस्ट इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये वाली बात आ जाती है और उसके अलावा बच्चे हमारे पास डीएनए हमारे पास प्रॉब मैथड भी हैं प्रॉब जैसे सदरन ब्लॉटिंग पढ़ते हो ये सारी चीजें पढ़ते हो पहले उससे पहले ये प्रॉब प्रॉब का मतलब होता है कोई चीज जो हमने जांच करने के लिए यूज की राइट भूमि का जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए व्हेन वी टैग इट

हम लोग एक टैग्ड आर एन ए या डी एन ए लेते हैं राइट right, बच्चे हम लोग एक टैग्ड आर एन ए और डी एन ए लेते हैं टैग्ड किसके साथ है वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ सो so, वो क्या करेगा हाइब्रिडाइज कर जाएगा टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए जैसे लेट से मुझे किसी चीज़ का डाउट है कि भाई या मेरी बॉडी में कोई पर्टिकुलर डीएनए एन ए मिला हमने उसके सीक्वेंस देखे हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब ऐड कर लेंगे सो ऑटो रेडियोग्राफी से उसको डिटेक्ट कर देंगे सो so, अगर हाँ एक अनदर वे भी है जैसे सपोज करो मुझे चेक करना है कि वेदर आई हैव एनी म्यूटेटेड जीन जीन और नॉट सो हम लोग हर, जिस भी जीन को चेक करना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यूज करेंगे उसको टैग कर लेंगे फिर हम लोग जब ये जो हमने राइट क्लोन्स बनाए हैं सेल्स के उसमें हम लोग क्या करेंगे उस प्रोप को डालेंगे अगर तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ बाइंड कर गया देन देर इज नो प्रॉब्लम वी कैन चेक इट बाय ऑटो रेडियोग्राफी लेकिन अगर वो बाइंड नहीं किया राइट right, so बता देगा हमें कि भाई कोई जीन म्यूटेटेड so हुआ फिल्म सो so so ये है जो थोड़ा और एडवांस वे में आ जाती है समझ में आ गया समझ में आ गया ठीक है बच्चे उसके अलावा तुम लोग देख सकते हो ट्रांसजेनिक एनिमल्स so ट्रांसजेनिक एनिमल्स अगेन they are having the foreign genes they are again having the foreign genes samajh mein aaya samajh mein aaya inka dna manipulated hai so bahut sare example hai jaise kai hamare paas models hain that will study that will help us to study the normal physiology and development jaise tum logo ko pata hoga kitne hi chuhe kitne hi transgenic mice यूज हुए हैं experiment में यहाँ तक कि pigs तक यूज हुए हैं बच्चे so, हम लोग इन transgenic animals को use करते हैं किसी डिजीज का पूरा पाथवे स्टडी करने के लिए या हम लोग इनको ऐसे भी यूज करते हैं कि कोई जीन अगर एबसेंट है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट रहेगा अगर किसी जीन की एक्सेस है तब बॉडी पे क्या इफेक्ट रहेगा ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर लेते हैं चाहे हमने कोई ग्रोथ फैक्टर स्टडी करना हो बच्चे राइट या किसी भी डिजीज को स्टडी करना हो एनीथिंग लाइक दैट इवन अगर हमें ड्रग्स को भी टेस्ट करना है सो वी प्रेफर राइट वी प्रेफर दम जैसे ये ये वाला पॉइंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसजेनिक मॉडल्स की मदद से कैंसर सिस्टिस फाइब्रोसिस, आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर अलमैसी डिजीजेस को भी स्टडी किया जाता है ठीक है सो सिस्टिक फाइब्रोसिस और र्यूमेटाइड आर्थराइटिस ये तुम्हारा होमवर्क है बच्चे तुम लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओगे कि ये है क्या वॉट इज इट ठीक है चैट सेक्शन में लिख के बताओगे ठीक है उसके अलावा एज आई सेट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल इज एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन किस किस को पता है एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन के बारे में राइट right? किस किस को पता है एल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन के बारे में बच्चों सिगरेट स्मोकिंग जो चेन स्मोकर्स होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली सिगरेट को स्मोक करते हैं ना दे गेट अफेक्टेड विद एम्फीजीमा राइट जिसमें उनकी मतलब लंग्स में एल्वियलाई में कुछ फ्लूड भी एक एक्यूमलेट हो जाता है राइट right? एल्विलाई uh, की वॉल्स भी डिस्ट्रक्ट हो जाती है गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं रहता बॉडी के पार्ट्स को सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलती राइट right? बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं एम्फीजीमा में सो so, ये कॉन्टीन्यूस सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे उसी एम्फीजीमा को ट्रीट करने के लिए एक ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन रिक्वायर्ड है एंटीट्रिप्सिन अगेंस्ट ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन क्या होती है प्रोटीज प्रोटीएज एंटीट्रिप्सिन मतलब ये वो प्रोटीन है जो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को रोकेगा मतलब लंग्स का एल्बुलई का डैमेज रोक देगा राइट right? सो so, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं ठीक है जैसे ये देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिस फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया जाता है जैसे 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काओ रोजी बनाई गई थी जिसमें जिसके मिल्क में ना बच्चे जिसका मिल्क ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड था मतलब ये मदर्स के मदर के मिल्क से भी ज़्यादा न्यूट्रिश न्यूट्रिशियस था राइट right? मदर के मिल्क से भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस था सो so, यहां से बच्चे क्वेश्चन कई बार आता है इसको मार्क कर लो इसको मार्क कर लो ठीक है जस्ट मार्केट ओके ओके हां ब्रीदिंग वाला इश्यू भी है बच्चे सो so, ये जो अल्फा वन एंटी है बेसिकली के against, जैसे हो गई, इनके ये रोजी वाला एग्जाम्पल एल्फा वन एंटी वाला एग्जाम्पल जरूरी है वैक्सीन की सेफ्टी के लिए केमिकल सेफ्टी के लिए भाई हम ट्रांसजेनिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं सो so, वैक्सीन सेफ्टी के लिए याद रखना पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट किया गया था ट्रांसजेनिक माइस पर राइट पोलियो वैक्सीन पोलियोक् सेफ्टी को चेक किया गया था ट्रांसजेनिक माइस पर इट इज इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चे इट इज इंपॉर्टेंट सो टॉक्सिक सब्सटेंस उनकी टॉक्सिसिटी सब चेक किया जाता है ठीक है सब चेक किया जाता है फिर एथिकल इश्यूज आ गए मैंने तुम्हें पहले ही बताया है राइट right? मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि बच्चे दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग ओके फाइन वी आर गेटिंग द बेनिफिट राइट वी आर गेटिंग द मॉडिफाइड प्रोडक्ट वी आर गेटिंग द इम्प्रूव प्रोडक्ट्स बट इट इज प्लेइंग विद आर बायोडाइवर्सिटी वी आर प्रमोटिंग सर्टन ट्रेड्स राइट हम कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स को प्रमोट कर रहे हैं हम बाइसिस दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं ऊपर से अगर लेथ से कोई भी मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं इनकी और उसके अलावा मान लो कोई इनका यूज नेगेटिव वे में कर ले बायो वेपन्स भी तो बन सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज करके बन सकते हैं सो so, ये जो मैनिपुलेशन हम लोग करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इट इज नॉट गुड बच्चे राइट right? सो so, इसके लिए मतलब बेसिकली एथिकल तो ये नहीं है सो so, हमें क्या करना चाहिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को एक रेगुलेशन होनी चाहिए अदरवाइज बच्चे कोई भी कुछ भी बना सकता है कोई भी किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है बायो वेपन्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं राइट right? इतना डैमेज कोई और चीज नहीं करेगी जितना अगर मान लो किसी ने किसी देश में कोई वायरस छोड़ दिया वहां के लोगों को मार देंगी कोविड का एग्जाम्पल तुम लोग ले सकते हो कि कितने ज्यादा लोगों की डेथ हुई है सो ऑब्वियसली रेगुलेशन जरूरी है सो सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द मोरालिटी ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज सो इट शुड नॉट हार्म एनी अदर लिविंग बींग इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ रहे हो सो so ये जो जी ई एस है दैट इज योर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बच्चे ये फुल फॉर्म आ सकती है इंडियन so, गवर्नमेंट ने जीई को एस्टेब्लिश किया है जो डिसीजन लेगी कि किन रिसर्च को प्रमोट करना है किन को प्रमोट नहीं करना है कौन सी रिसर्च अप्रोप्रिएट है विच रिसर्च आर बेटर फॉर द ह्यूमन वेलफेयर और कौन सी रिसर्च अप्रोप्रिएट नहीं है समझ रहे हो कौन सी रिसर्च अप्रोप्रिएट नहीं है सो so, ये सारी चीजों को वो वैलिडेट करेगी और उन्हीं चीजों को अलाउ करेगी जो कि बेनिफिट करे राइट जो कि बेनिफिट करे ठीक है उसके बाद बच्चे दो सिंपल सी चीजें आ जाती हैं एक तो बायोपाय दूसरा क्या आ जाता है एक तो आ जाती है बायो पायरसी तुम्हें पता है कि मतलब पायरेसी का मतलब होता है बच्चे चोरी किसी ने चुरा लिया जैसे किसी ने किसी का गाना चुरा लिया और कह दिया मेरा अपना है राइट कोई भी चीज चुराना सो बायो पायरेसी मतलब जब इन लिविंग चीजों की इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की चोरी हो जाए जैसे हमें पता है राइस हमारे इंडिया में पता नहीं इसकी कितनी वेराइटीज़ हैं कब से यूज़ हो रहा है राइट कब से यूज हो रहा है राइट लेकिन क्या किया गया था अमेरिका वालों ने क्या किया एक स्वेमी इंडिया की एक वेराइटी को और एक और सेमी डॉप डॉप वेराइटी को क्रॉस करवाया और जो हाइब्रिड आया उसको कह दिया कि हमने तो जी नया बनाया है उसको पेटेंट भी करवा दिया और पेटेंट करवाने का क्या मतलब होता है जैसे पेटेंट हम लोग ना कोई भी नई डिस्कवरी हो कोई भी नया इनोवेशन हो इस तरह का नया इनोवेशन जो पहले कभी किसी ने प्रिडिक्ट ना किया हो किसी की स्टडीज में उसकी पॉसिबिलिटी ना हो मतलब कोई नोवेलिटी राइट नॉन ऑब्वियसनेस कि हाँ भाई ऐसा हुआ कोई भी ऐसी कोई नई चीज आती है तो पेटेंट करवाया जाता है मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके डिस्कवरर को ये राइट देती है भाई कि तुम्हारी परमिशन के बिना कोई भी इसको कमर्शियली यूज नहीं कर सकता राइट right? कोई भी इसको कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकता सो so, जब भी कोई तुम नई चीज़ डिस्कवर करो अगर उस नए मतलब कोई नया इनोवेशन है कोई टेक्निक हो सकती है हो सकता है तुमने कोई नया बैक्टीरिया कोई इन्जाइम डिस्कवर की हो राइट right? कोई नया प्रोटीन डिस्कवर किया हो बट पर शर्त है कि, कि किसी ने उसके बारे में किसी तरह से पहले बताया ना हो सो यू विल गेट द राइट्स फॉर दैट कोई भी तुम्हारी परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता सो so, इसीलिए बायोपेटेंट करवाना जरूरी है लेकिन कई बार ऐसा होता है कई देश में कई देशों में लोगों को नहीं पता जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं पता था लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज ने उनके एडवांटेजेस लिए उन्होंने उनके रिसोर्सेज को अपना कहा सो व्हेन इट इज़ बायोपायरसी एक तरह से चोरी हुई जैसे राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है इंडिया का राइट एशिया एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में पता नहीं कब से है हमारे पास दो लाख वेराइटीज राइस की इंडिया में ही है समझ रहे हो सबसे ज्यादा रिच है हम इसमें और बासमती की जब हम लोग बात करते हैं तो ट्वेंटी सेवन डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती दे आर इन इंडिया देख लेकिन क्या किया गया अमेरिकन कंपनी ने 1997 में बच्चे बासमती राइस पर अपने राइट्स पेटेंट करवा लिए यूएस पेटेंट एंड यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया इन्होंने कहा कि हमने एक नई वैरायटी बनाई है बासमती की कैसे है बच्चे हमारी इंडियन फार्मर को एक सेमी वेराइटी और जो चीज हमारे देश में पता नहीं कब से यूज हो रही है उस पर ऐसा ही किया गया था नीम के लिए ऐसा ही किया गया था टर्मरिक हल्दी के लिए जैसे एक मिसिसिपी यूनिवर्सिटी है कुछ उन्होंने क्या किया कि टर्मरिक का यूज बूंद हीलिंग के लिए किया जाता है इस चीज को पेटेंट करवा लिया वो तो फिर हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने राइट इंडियन साइंटिस्ट ने उसके लिए आ, यू नो स्ट्रगल किया फाइट किया कि भाई इसको रिमोक करो ये तो हमारे देश में पता नहीं कब से यूज हो रहा है सो इसी तरह से लोगों में अवेयर अवेयरनेस भी होनी चाहिए अपने राइट्स को लेकर समझ रहे हो अपने राइट्स को लेकर अवेयरनेस भी होनी चाहिए सो ये जो इन्होंने बासमती राइस को पेटेंट करवाया उसकी वजह से भाई हम तो बासमती राइस बेच ही नहीं पाते हम लोगों को तो उसके लिए भी क्योंकि वो उनके राइट्स आ गए राइट सो टर्मरिक so, के लिए भी ऐसा किया गया बच्चे नीम के लिए भी सो so, ये सरासर क्या है चोरी राइट ये सरासर क्या है चोरी ठीक है सो so, टर्मरिक का 1995 में यूएस पेटेंट ऑफिस से ग्रांट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी को सो so, डॉक्टर आर ए मशेलकर राइट जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको चैलेंज किया और चार महीने के बाद इन्होंने इसको रिमोव करवाया कि भाई इसको रिबोव करो और नीम के लिए भी यही किया गया था सो so, ये हो गई बायो पायरेसी। इसीलिए हमको हमारे राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए right. आ, राइट राइट्स के लिए अवेयर होना चाहिए ताकि कोई और उसको यूज ना करे फाइन, फाइन। इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली सेकेंड अमेंडमेंट ये याद रखना ऑफ इंडियन पेटेंट बिल किया है दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स एमरजेंसी प्रोविजन्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटर दैट सॉल दैट इट. सो इस चैप्टर में इतना ही है जितनी चीजें हाईलाइट की हैं उनको प्लीज रिवाइज कर लेना ठीक है उनको प्लीज रिवाइज कर लेना सो so, मैंने कहा था ना ये चैप्टर तुम्हारा हार्डली दो ढाई घंटे में खत्म हो जाएगा सो so, ठीक है अब थोड़ा सा स्पीड भी करना है क्योंकि हमें सिलेबस पूरा करना है तो बच्चे आज ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है राइट right, आज ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें आ, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम कर सकते हो और तुम 680 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो सब बताया है सो so, जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लेना उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर लेना और कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो जो भी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लांट किंगडम करवा दो ये करवा दो सारी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया जाएगा और सबसे पहले कल हम लोग क्या करने वाले हैं बायोटेक के सौ क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके बाहर से तुम्हारा पेपर कहीं से भी नहीं आएगा राइट right? कहीं से भी नहीं आएगा गॉट इट चलो सो so, यहां पर करेक्ट आंसर क्या है गोल्डन राइस ठीक है गोल्डन राइस सो दैट्स इट दैट्स ऑल आई होप यू एंजॉयड द सेशन बच्चे बायोमोलिक्यूल दिनेश मैंने रिसेंटली करवाया है तो मैं एक बार उन वीडियोस को चेक कर लो जब दोबारा वन शॉट लगेगा तुम्हें तो ईजी हो जाएगा सो डू लाइक डू शेयर बच्चे डू रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ठीक है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दैट्स अ रिक्वेस्ट बच्चे इस चैनल को अपने क्लासमेट सीनियर्स जूनियर्स जिसको रिकमेंड कर सकते हो जरूर करना और डू टेल मी इन द चैट सेक्शन कि तुम्हें कैसा लगा ये क्लास ओके okay? ओके okay. ठीक है नीता जरूर कमेंट सेक्शन में बताना देखो तुम इतने सारे बच्चे हो अगर एक एक कमेंट लिख भी दोगे ज्यादा टाइम तो वो तुम्हारा लेगा नहीं है ना ज्यादा टाइम तो वो तुम्हारा लेगा नहीं सो काइंडली डू दैट एंड थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आई